गुड इवनिंग। आशा है सभी छात्र मुझे सुन पा रहे होंगे। मैं आपको चैट पे देख पा रहा हूँ। सो गुड इवनिंग टू ऑल। सभी लोग वेलकम। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा के लिए। कक्षा में बात चल रही है विश्व आर्थिक भूगोल पर। कल हमने आर्थिक भूगोल की कुछ जनरल बातें की थी। आज हम बात करेंगे आर्थिक भूगोल में विश्व धात्विक संसाधनों की। कल हमने एक सिद्धांत दिया था कि हमें विश्व की अगर शील्ड पता चल जाए। शील्ड क्या होती है? ऐसी आग्नेय चट्टाने जो महाद्वीपों का एक तरह से कोर बनती हैं, केंद्र बनती हैं। सभी महाद्वीप दो चीजों से बने होते हैं। एक आग्नेय शील्ड होती है और उसके आसपास अवसादी प्लेटफॉर्म होते हैं। तो एक महाद्वीप कई सारी शील्ड और कई सारे प्लेटफॉर्म के जुड़ने से बनता है। ये आज भी बन रहे हैं, ये आज भी टूट रहे हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, हमने ये पाया कि वो जो आग्नेय चट्टाने थी या आग्नेय शील्ड थी, वहां मैग्मा के साथ जो लावा बाहर निकलता है या अंदर भी कैद हो जाता है, उसमें बहुत सारे धातु हो सकते हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट शील्ड्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग शील्ड्स टू बी द साइट्स ऑफ मेटल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, आलोचना वाले बच्चों की बातें मत सुनिए। देखिए, सबको अधिकार है, अच्छा बुरा सभी को लग सकता है। मेरा आप सबसे एक ही आग्रह है कि जो भी छात्र आज पहली क्लास करने आए हैं, तो आपसे आग्रह है, ये क्लास संख्या 20 हो चुकी है, यहां से शुरू ना करें। अभी तक मैं बहुत से छात्रों को अलग अलग क्षेत्रों में पूरे विश्व का दर्शन करा चुका हूं। उसमें मैं अब मानव भूगोल और बहुत सी चीजें पुनः स्थापित करने वाला हूं। तो आप सबका स्वागत है उस क्लास के लिए। ठीक है, धातु जब निकलती है तपाकर फिर से वो प्लीज रिवाइज कर दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ये देखा कि पृथ्वी की चट्टाने जो है ये मैग्मा के ठोस हो जाने से बनी। जब मैग्मा निकला ज्वालामुखी के उद्गार में, और जैसे जैसे ये ठोस हो गई, एज द मैग्मा सॉलिडिफाइड, तो हमारी सतह पे जो चट्टाने बन गई। अब इन चट्टानों में बहुत सारे खनिज हैं, लगभग 5,000 तरह के खनिज। कुछ खनिजों में धातु ज्यादा होते हैं, उन्हें खनिजों के अयस्क कहा जाता है, ओर कहा जाता है, और उन्हें कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है उन चट्टानों को, ताकि उनमें से अशुद्धियां हट जाएं और उसमें से हम धातु निकाल पाए। ऐसी कोई बात हुई। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज पूछना चाहता हूं आज, थोड़ा सा मेरा आत्मविश्वास कम है भाई, आज थोड़ा सा मेरा आत्मविश्वास कम है। क्यों कम है मैं वो बता देना चाहता हूं, मेरा कारण है, और इसमें मैं आप सबकी सहायता चाहता हूं। सर, आग्नेय चट्टाने क्या है? बेटा, जो मैग्मा से निकलती हैं चट्टाने, उन्हें हिंदी में आग्नेय कहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप जो है हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम, इग्नियस रॉक, ये कल की क्लास में बताया गया, तो मैं अब नहीं चाहूंगा कि आप बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान दें। ठीक है, आपसे अनुरोध है कल की क्लास कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी समस्या क्या है, और मेरा आप सबसे आग्रह है कि मेरा थोड़ा सा इसमें सहयोग करिएगा। जब मैं ऑफलाइन क्लास में होता हूं, तो ये वाली क्लास में मैं जादू कर पाता हूं, ये वाली जो क्लास है आज की क्लास, बहुत कुछ लिखवाने वाला हूं। और ऑनलाइन में मेरा थोड़ा सा ये है कि आप मुझसे दूर हैं और मोबाइल पे देख रहे हैं, लिख भी रहे होंगे, तो वो जादू हो पाएगा कि नहीं? क्लास के अंत में एक टेस्ट होना है, और उस टेस्ट के लिए इस पूरी क्लास में हम लिखेंगे, इस हद तक लिखेंगे कि हाथ भी थक जाएगा। तो तैयार हैं? थोड़ा सा मैं आपसे सहयोग मांग सकता हूं, क्योंकि ऑफलाइन में तो जादू हो जाता है, ऑनलाइन में आपका जोश है तो जादू हो जाएगा। तो आपको एक ही चीज करनी है, जो भी मैं लिखता जाता हूं, दिखाता जाता हूं, लिखते जाइएगा। उस पर अभी सोचना नहीं है, डर नहीं लगाना कि ये याद रहेगा नहीं रहेगा, वो मेरा काम, उतना विश्वास मुझ पर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सभी लोग मेरे साथ। चलिए, लिखते जाएंगे सभी छात्र मेटल्स।
ये कहां पर होते हैं? फील्ड में होने की संभावना है, फील्ड्स में अधिक होते। ये शील्ड क्या है? अंग्रेजी का शब्द है शील्ड। फील्ड क्या है? अग्नि, अग्नि चट्टाने। ठीक है, ये महाद्वीप के केंद्र बनते हैं, महाद्वीपीय भूगर्भिक केंद्र है। कॉन्टिनेंटल अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं, लिखते रहिएगा, आज आज कोई चिंता नहीं करनी, लिखते रहिएगा, आखिर में टेस्ट भी होगा। तो यहां पर कोई भी चैट नहीं करेगा, यहां पर कोई भी चैट नहीं करेगा, चैट का कोई फायदा नहीं है। सर आग्नेय क्या होता है? अगर आप आग्नेय पूछ रहे हैं तो यानी आपने कल की क्लास नहीं देखी है, कल की क्लास नहीं देखी है तो बच्चे आज की क्लास में वैसे भी जादू नहीं हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि क्लासेस क्रम में करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल जियोलॉजिकल कोर, जियोलॉजिकल कोर, एक महाद्वीप बना रहा हूं बच्चों, ये एक महाद्वीप है, ये महाद्वीप है और इसमें ये आग्नेय पर्वतों से बना हुआ इसका एक शील्ड है, यहां पर भी एक शील्ड है और शील्ड के अवसाद, शील्ड के सेडिमेंट्स यहां पर है। ठीक है, तो जो अवसादी क्षेत्र होता है, सेडिमेंटरी, सेडिमेंटरी, सेडिमेंटरी अवसादी, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। और जो आग्नेय होता है, आग्नेय, आग्नेय का मतलब इग्नियस, इग्नियस, इसको हम शील्ड कहते हैं। और महाद्वीप किस चीज से बना होता है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म और बहुत सारे शील्ड। ये कब बने हैं? विगत काल में बने हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ बने हैं। ये कहां से आए? आंतरिक बलों के कारण आए बच्चों, ये मैग्मा के कारण आए हैं, तो यहां पर पाए जाते हैं। आशा है ये कल की क्लास थी, आपने लिख लिया होगा। ठीक है सर, प्लीज शील्ड का कॉन्सेप्ट से पहले जो लोहा कोयला वाली जगह पर था वो करा दीजिए। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, फालतू का मजाक मत करिए। ये है, अभी लोहे की और कोयले की कोई बात नहीं हुई। आप कहां से लाए कि लोहा कोयले की जगह है वो करा दीजिए? आप किसी और टीचर से पढ़े हुए हैं, जबरदस्ती इसमें मुझे मत घसीटिए। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे कर लीजिए। ऐसे बहुत से छात्र हैं जो बहुत से टीचर्स से पढ़े हैं। कल भी बहुत से मैसेजेस मेरे पास ऐसे आए कि चार चार टीचरों से हमें पढ़ चुके हैं, भूल जाते हैं। तो मैं अपना क्रम इसके लिए नहीं तोड़ूंगा। पहले ये बताइए, लोहा और कोयला एक साथ जो मिलते हैं, जो आपने बताया था, मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे? मैंने तो बताया नहीं, दो अलग चीजें। तो धातुओं की बात हो रही, मजाक नहीं करिए। ये कल की बात थी, कल की बात से हम आगे चलेंगे, उसी क्रम में चलेंगे। जो भी छात्र मेरे साथ हैं वो इसको समझ चुके। अब हम आते हैं, इसमें शील्ड की बात कर रहे हैं हम, और इनमें एक एक करके धातुओं की बात करते हैं। तो धातु में जब हमने कहा धात्विक खनिज, लिखते रहिए, लिखते भी रहिएगा, और बिल्कुल घबराना नहीं है, इसको पूरी कहानी से सब जोड़ दूंगा मैं, कहानी से सब जोड़ने वाला हूं, चिंता नहीं करें। धात्विक खनिज को क्या कहते हैं? मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स। ये दो प्रकार के होते हैं, लौह यानी फेरस, ये भी कल का ही रिपीट कर रहा हूं, और अलौह यानी कि नॉन फेरस। लौह धातु में आयरन की बहुलता होती और इसमें आयरन बहुत ज्यादा नहीं होता, अलौह होता है। आयरन से बहुत सारे और भी जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आयरन की। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। तो हम पहले लोहे की बात करने वाले। लोहा हम सब ने अपने जीवन में देखा है, लोहा, इसका अयस्क होता है, इसे कहते हैं आयरन ओर, आयरन ओर। इसकी ओर कई तरह की होती हैं। हमने सुना है कि मैग्नेटाइट, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिखूंगा तो मैग्नेटाइट लिखूंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा साइंटिफिक नाम है तो हम उसे लिख लेते हैं। तो इसके अयस्क, ये जो है ना अयस्क, इसके अलग अलग प्रकार के अयस्क होते हैं।
अयस्कों के प्रकार बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? लोहा लोहे के अयस्कों में मिलता है और इसके प्रकार हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हेमेटाइट, हेमेटाइट। आज लिखते रहना है, हाथ नहीं रुकना चाहिए, दिमाग चलेगा, चिंता मत करो। सिडेराइट। और वैसे तो और भी होते हैं जैसे टेकोनाइट और काइनाइट, बट इन सबको मैं नहीं ले रहा हूं। चार प्रमुख अयस्क हैं। ऐसा होता है कि अगर लगभग 70% से ज्यादा हो लौह की मात्रा, लौह का प्रतिशत, तो मैग्नेटाइट है ये 60 के पास है, ये लगभग 50 है, 50 से कम। तो यूं समझिए कि चट्टाने हैं ये। ये क्या है? सर एलनिनो लानीना क्या है? तू झूठी मैं मक्कार की स्टोरी क्या है? आरपी सिंह जी, आपका नाम ले रहा हूं, मजाक ना करें, गलत जगह पर आ गए। एलनिनो लानीना, इनको इससे कुछ नहीं। तो आरपी सिंह जी, नाम से बता दिया आपका कि ऐसा वाला मजाक करेंगे तो फिर नाम लेकर कहूंगा। और जवाब मेरे पास चंपक सवालों के भारी नंदन जवाब है, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। बात क्या हो रही है? बात यह हो रही है कि ये प्रकार क्यों है। लोहा है, लोहे की चट्टाने हैं, चट्टानों में लोहा मिलता है, तो क्या कोई कोई लॉजिक हो सकता है कि इसके अलग अलग प्रकार क्या है? क्या कोई लॉजिक हो सकता है कि इसके अलग अलग प्रकार क्यों है? कोई सोच सकता है लॉजिक? सभी छात्र, कल न्यूज़पेपर में आया था, कल न्यूज़पेपर में कुछ भी आएगा तो क्या मास्टर जी का कलेजा निकालोगे? क्लास में वो कर लो, एक एक जवाब भी दे रहा। सर कल न्यूज़पेपर में आया था। जल्दी से, तो कोई ज्यादा और कोई कम, बिल्कुल सही अनुकृति, लेकिन क्यों? सवाल है क्यों? अलग क्यों है बच्चों? क्वालिटी अलग क्यों है? फेरस की मात्रा समझ में आ गया, धात्विक गुणों के कारण। बेटा ये कारण थोड़ी है, धात्विक तो धात्विक है, क्यों होगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत सही उत्तर नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है ना। बच्चों एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कली पर है, अगर वो कर गए तो मजा आ जाएगा, और कल वाला अगर आपने बुद्धि चलाई थी तो मजा आ जाएगा। बच्चों इसमें तो आपको दिखाई दे रहा है शील्ड कौन सी है और प्लेटफॉर्म कौन सा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? शील्ड सर ये है और सर ये प्लेटफॉर्म है। सभी लोग अब उत्तर नहीं लिखेंगे, मैं उत्तर दे रहा हूं, ठीक है? तो ज्योग्राफी को करंट से कैसे जोड़े चंदन भैया? पहले इस कंसेप्ट तो कर ले, फिर करंट से जोड़ देंगे भैया। और दिक्कत है तो एक तो बिजली की तार ले ओ और जो है ऊत लगाए दो, बहुत झटका झटका लगेगा। नवा नवा सीखे हैं ज्योग्राफी, करंट है पहले ले लें। रुक जा भाई, इतना तो कर ले। एक को भैया को अभी चाहिए कि एलनीनो बता दो। एक बोला अखबार में कुछ आया, एक बोला करंटे से कैसे जोड़ देंगे। कंसेप्ट तो बना दें, करंट भी लगा देंगे। आधे लोग तो सच बता रहे हैं, भूगोल इतना रगड़ा रगड़ा विषय है, बीसीओ शिक्षक से पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद जो है कपड़ा चितड़ा सब फट चुका है। अरे मास्टर जी हमारा इस सवाल का जवाब दो, जल्दी से बताओ। सभी लोग मुझे एक बात बताओ, एक्स वाई जेड तीन जगह पर खनन कर रहा हूं, कहां पर सबसे ज्यादा लोहा मिलेगा प्रतिशत में? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कहां पर सबसे ज्यादा लोहा मिलेगा? देखिए सब जगह लोहा है, लोहा यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन प्रतिशत की उसमें अगर मैं चट्टाने तोड़ूं तो एक्स वाई जेड किस चट्टान में ज्यादा रस निकलेगा, किस मधुमक्खी के छत्ते में ज्यादा रस निकलेगा? जल्दी बताइए लॉजिक लगाकर। सर उत्तर है एक्स, एक्स में मैक्सिमम
सबसे अधिक होगा कि नहीं होगा? जब इधर आते हैं तो कम होने लगेगा, और यहां पर आते आते न्यूनतम होगा कि नहीं, मिनिमम होगा कि नहीं? क्योंकि यहां पर क्या ज्यादा हो जाएंगी बच्चों? सर यहां पे अशुद्धि ज्यादा हो जाएगी और यहां पर तो शुद्ध है। कितने स्मार्ट लोगों को पता चल गया कि इन अयस्कों में मात्रा क्यों कम होती है? अगर आप शील्ड के केंद्र के पास खनन कर रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया मिलेगा, और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं आपके लोहे में अशुद्धियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए उसका लोहे का प्रतिशत कम होता जा रहा है। समझ में आया? सिर्फ इतना सा लॉजिक, मैंने कहा ना ज्योग्राफी इतना सा लॉजिक है, वो कर लेंगे कर लेंगे। सर करंट से कैसे जोड़ें? उसके बाद वो पूछता है कि विश्व के लौह इस्पात उद्योग में क्या पारंपरिक बदलाव आ रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है हमारे पास, ये प्रश्न यूपीएससी पूछता है, तो पहले ये तो समझ ले कि लौह इस्पात कहां पर है। करंट लगवाना भाई को, भाई करंट लगवाना तो मेरी क्लास में काहे लगवा रहे हो? जान देने कहीं लटकते दे दो, हम पर इल्जाम काहे लगवा रहे हो? समझ में आ गया बच्चों? सिंपल सिद्धांत था। अब ये सिद्धांत ना स्कूल में पढ़ा था और प्रतिशत रट भी रहे थे, और मुझे रटना नहीं है, मुझे समझना था भूगोलिक दृष्टि से ऐसा क्यों हो जाता है कि अयस्क में मात्रा बदल जाती है। भाई अगर शुद्ध क्षेत्र में करोगे तो ज्यादा होगा। आप यूं समझिए, गाय या भैंस का दूध निकला तो एकदम शुद्ध है। अगर दूध बेचने वाला थोड़ा आगे बढ़ा और बीच में उसे नदी मिल गई और नदी का थोड़ा पानी उसने ले लिया, तो दूध की मात्रा तो बढ़ गई, लेकिन दूध की परसेंटेज कम हो जाएगी कि नहीं? मिलावट हो गई। सिंपल इतनी सी बात, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा लॉ इस्पात, ये कॉन्सेप्ट था, कल के कॉन्सेप्ट से जुड़ा आज का कॉन्सेप्ट। तो हमें बहुत सारे और भी खनिज मिलेंगे, लेकिन अगर हम फेरस शील्ड के पास जाएंगे तो वहां पे आयरन, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, वेनेडियम, मैग्नीशियम, ये भी उसके साथ मिलेंगे। शील्ड के जितना पास जाऊंगा, केंद्र में जाऊंगा तो ज्यादा मिलेगा, और दूर जाता जाऊंगा तो अशुद्धियां मिलने लगेंगी, वहां अवसाद होने लगे। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ? चलिए, तो जिन भी छात्रों को ऐसा लगा कि सर मुझे भी ऐसा ही आइडिया आया था, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, शाबाश, सही जा रहे। तो अब हमें विश्व का लोहा ढूंढना है, तो लौह शील्ड हेडिंग देंगे सभी लोग, फ्रेश पेज, विश्व का, या विश्व का कर हटाते हैं, विश्व के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक या संसाधनों का वितरण। सभी लोग खुश हैं? और लेफ्ट ब्रेन बहुत खुश होंगे, सर बहुत माल लिखवा रहे हैं, आज नींद भी अच्छी आएगी, आज नींद भी अच्छी आएगी, सर बहुत लिखवाए आज, आज सर एकदम वसूली करवा दी है मेरी फीस का। तो पहले लिखेंगे बच्चों, बिना सोचे अभी कुछ नहीं मुझसे पूछना है, उत्तर अमेरिका, कनाडा। इंग्लिश वाले बच्चे आप ये इंग्लिश में भी लिखते रहिएगा, आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन। इंग्लिश वाले बच्चे प्लीज लिख लीजिए आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? कैनेडियन या लेबराडोर फील्ड, हो गया? मेरे अंग्रेजी के छात्र लिख लेंगे ना बच्चे, अपनी अंग्रेजी भाषा में कैनेडियन लिख सकते हो, लेबराडोर लिख सकते हो, तो इस पे मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं, ठीक है? तो बिल्कुल लिखते रहिए, अभी कुछ और नहीं करना, यहां पे ध्यान देंगे। टेफर विले, टेफर विल, कुछ नहीं सोचना है, बस लिखते चले जाएंगे। SEPT, टेप्ट आइल्स, टेप्ट आइल्स, ठीक है?
हैमिल्टन, ओटावा, टोरंटो। बच्चों देवनागरी में लिख सकते हो हैमिल्टन, ओटावा, टोरंटो, और उसके बाद बफेलो, क्लीवलैंड और डेट्रॉइट। सर यही मेरी दिक्कत है, मैं भूल जाता हूँ। विश्वास रखो मुझ पर, सिर्फ लिखते रहो, जादू हो जाएगा। जब ये लिख देंगे तो इनको काट देंगे। फिर काटना था तो लिखवाए क्यों थे बता दूंगा। कर दिए, यहां तक आ गए बच्चे? जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूं, और कुछ नहीं करना। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क संसाधन, मैं आप पे पूरा विश्वास कर रहा हूं। आज जादू के लिए आपकी जरूरत है, विश्वास रखिए, बस करते रहिए। हैमिल्टन, ओटावा, टोरंटो, बफेलो, क्लीवलैंड, डिट्रॉइट। बफेलो, क्लीवलैंड, डिट्रॉइट, टेफर विले, सेप्ट आइल्स। अब अगले पन्ने पर जा रहा हूं, हो गया? ओके, जैसे ही हो जाए बच्चों ओके लिख दिया करो, ताकि आज बहुत लिखना है तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, तो अब आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे एपेलेशियन। एपेलेशियन, एपेलेशियन पर्वत थे अगर आपको याद हो, पुराने वलित पर्वत, माउंट मिशेल था यहां पर, याद है? एपेलेशियन शील्ड, एपेलेशियन शील्ड यहां पर मिले। यहां पर लिखेंगे बच्चों पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग और बर्मिंगम, हिंदी में लिख देता हूं, एक एक इंग्लिश में लिख रहा हूं, एक हिंदी में। बर्मिंगम, बर्मिंगम, अपनी देवनागरी में जो भी नाम लिखना मजे से लिखिए। तो एपेलेशन शील्ड, ये हुआ पहला। दूसरा बच्चों ये है महान झील क्षेत्र। महान झील क्षेत्र, विश्वास करिए लिखना भी एक तरह की स्मृति में जाएगा। रोकना नहीं है, रोकना नहीं कहीं है, सोचो कि इसके मैं वीडियो दोबारा देख लूंगा, अपने नोट्स में जाने है। आपको पता है मैं नोट्स में बहुत ही सीमित रहता हूं कि भाई जो काम की चीजें बोर्ड पे आई वही जाएगी आपके नोट्स में। ठीक है, बिल्कुल करते रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ग्रेट लेक, ग्रेट लेक प्रोविंस, इसमें लिखेंगे डुलुथ। डुलुथ और मेसाबी, मेसाबी। उत्तर अमेरिका खत्म हो गया। जैसे ही हो जाएगा बच्चों ओके लिख दीजिएगा, जैसे ही हो जाएगा ओके लिख दीजिएगा। ये पायल पांडे जी बोली कि समझा के पढ़ाइए। पायल पांडे जी, जो कह रहा हूं वो कर लीजिए, विश्वास करिए, मुझसे ज्यादा समझाने वाला मिलेगा नहीं। मजाक मत करिए पायल पांडे जी, आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप छोड़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझा के पढ़ाइए, समझा के पढ़ाइए। मैं ही तो कल से समझा रहा हूं, ये भी करवाऊंगा। तो मैंने कहा ना, ऑफलाइन में तो हम कर सकते हैं, ऑनलाइन में मजाक कर सकते हैं। पायल पांडे जी, सर समझा के पढ़ाइए, समझा के पढ़ाइए। अभी इस पे राउंड टू आएगा मैडम। मैडम पायल जी, विश्वास रखिए, अभी नवा नवा सीखे हैं, इतना ना हथियार डाल दीजिए। चलिए अगले पर आ गए। अगला क्या है? दक्षिण अमेरिका। ये ऐसे बन के दिखा रही है कि इन्हीं को पता है कि समझा के पढ़ाया जाता है, बिना समझाए कोई नहीं पढ़ा सकता। हमें ही समझा रहे हो, हम ही तुमको लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन करवाए हैं। ये देखो नवा नवा सीख के हम सिखा रहे। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो पायल जी धन्यवाद याद दिलाने के लिए, बिल्कुल समझा के पढ़ाएंगे, चिंता ना करो आप। तो पहला क्या लिखेंगे बच्चों? याना शील्ड। दूसरा लिखेंगे ब्राजील शील्ड। बच्चे इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो अंग्रेजी में बस टर्म्स लिखनी है। ब्राजील शील्ड में अहम देश ब्राजील, ब्राजील में आएगा काराजास प्रांत। काराजास, काराजास प्रांत, और आएगा ईटा बीरा प्लान। ईटा बीरा, ईटा बीरा प्रांत,
इसी में ब्रैकेट में लिखेंगे मीनास गेराइस, मीनास गेराइस बेलो बेलो हॉरिजॉन्टे, बेलो हॉरिजॉन्टे सर हिंदी में लिख दिए। अरे बेटा बेलो हॉरिजॉन्टे, इसमें जादू कराएंगे, विश्वास रखिए अभी होगा ही होगा। ठीक है, यहां पे तीसरा लिखेंगे चिली, चिली देश, यहां पे लिख देंगे ला सेरेना, ला सेरेना घाटी वैली, ला सेरेना घाटी और वैली। मोनिका कह रही है एटलस नहीं चाहिए क्या आज? मोनिका आप लिख क्यों नहीं रही है, आपके पास चैट का भी टाइम है, सभी का एटलस राउंड आएगा इसके बाद आएगा, समझाएंगे भी। ये जो आप बड़े बड़े हाँ साहब बन रहे हो कि भैया हमको सब आ रहा है, ऐसे बताओ वैसे बताओ, जैसे बता रहे हैं ले लो, बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी, बट अगर इसमें व्यवधान दोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली बच्चों। अफ्रीका, अफ्रीका में मूल रूप से लौह अयस्क की कमी पाई जाती है, कमी है, देयर इज अ डेफिशिएंसी। अफ्रीका में लौह अयस्क कम है, इस महाद्वीप पर ही कम है, लेकिन लेकिन पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के दो प्रांत, दो प्रांत लाइबेरिया और सियरा लियोन, लाइबेरिया और सियरा लियोन, सभी लोग लिख रहे हैं, लिखना नहीं रोकना है। लाइबेरिया और सियरा लियोन मैंने क्या बताया था, लाइबेरिया और सियरा लियोन क्या बताया था, वो देश जहां पर मुक्त करके स्लेव्स को दास को वापस भेजा गया वो है। ठीक है, हेमंत मीना जी बताएं, ला चाइनाज भी बता दो। हेमंत मीना जी धन्यवाद ज्ञान बुद्धि दिखाने के लिए, अब ला चाइनाज हो गया हो तो ये लिख लो, है ना हेमंत मीना जी। पश्चिम अफ्रीका, मेरा काम है ना ये सारे याद भी करवाने, ये तो मेरा ही वो है। तो मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बता दिया लाचीना, और बताएं क्या आप कितने जानते हो मीना जी, कितने जानते हो, उसके ऊपर 10 दूंगा, फिर क्या कीजिएगा, मुर्गा बनिएगा, उठक बैठक करिएगा, ये देखो बीच में बैठ के लिस्ट नहीं बनाएगा, 20 बार एग्जाम दे चुका होगा, 20 बार एग्जाम दे चुका होगा, रटान करके बैठा हुआ है और जो है लुका हुआ। दक्षिण अफ्रीका, ट्रांसवाल प्रांत, ठीक है ट्रांसवाल प्रांत, ये मैं लिख के भी तो ला सकता था, ये मैं लिख के भी ला सकता था, यहीं पे लिखवा रहा हूं, मेरे लिए भी दर्द है लेकिन ये दर्द ले रहा हूं किसी कारण से ले रहा हूं, ये पायल जी मीना जी के लिए नहीं आया हूं, आपके लिए आया हूं, ध्यान रखिए आपके लिए आया हूं, इन दोनों की चिंता मत करो, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे, बिल्कुल चिंता मत करो। ओके हो गया अफ्रीका, अब कहां पर आ गए, यूरोप, यूरोप पे आ जाइए, तो यूरोप, यूरोप के लॉ एस की बात हो रही है, पहले आएगा स्कैंडिनेवियन शील्ड, स्कैंडिनेविया, याद है बच्चों स्कैंडिनेविया, फैन ऑफ स्कैंडिनेविया, स्वीडन बताया था, नॉर्वे बताया था, स्कैंडिनेविया की शील्ड लिख सकते हो देवनागरी में, स्कैंडिनेवियन शील्ड, इसमें क्या आएगा, देश है स्वीडन, स्वीडन में जगह है किरुना, 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 गैलीवारे, गैलीवेर, गैलीवेर, किरुना गैलीवेर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन में है मिडलैंड बेसिन, मिडलैंड बेसिन, मिडलैंड बेसिन, ठीक है, यहां पे लिख देंगे समाप्त हो गया,
समाप्त हो गया, यहाँ पे सब खा लिया पी लिया, खत्म हो गया। मिडलैंड बेसिन थोड़ा सा ही बचा हुआ है। उसके बाद आएंगे मध्य यूरोप पठार, मध्य यूरोपीय पठार, मिड यूरोप प्लेटू, इसमें जर्मनी आ जाएगा बच्चों। जर्मनी, जर्मनी में मैंने आपको बताया था ब्लैक फॉरेस्ट, याद है? ब्लैक फॉरेस्ट मिलेगा, जूरा, जूरा पर्वत मिलेंगे, जूरा पर्वत। फ्रांस में आ जाते हैं, फ्रांस में क्या मिलेगा? फ्रांस में मिलेगा अलसाक और लोरेन की घाटी, अलसाक लोरेन घाटी। पेन में आ जाते हैं, पेन में आते हैं बिलबोआ, बिलबोआ लिख लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, ओके कर दीजिएगा। जैसे ही लिख दिया, जैसे ही लिख दिया ओके कर दीजिएगा। यहां पर लिख रहा हूं रशिया, यूराल पर्वत, यूराल शील्ड, रशिया, यूक्रेन, रिवोई, री, रिवोई, ओके। चलिए, रूस, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, स्वीडन, सबका एक-एक नाम हो गया है। अब आ जाते हैं किस पर? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन शील्ड, हिंदी में लिखेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन शील्ड। इसमें पहला है पिलबारा प्रांत, पिलबारा प्रांत, पिलबारा, पिलबारा। पिलबारा प्रांत यहां पर लिखेंगे, हैमरस्ले पर्वत, हैमरस्ले श्रेणी, हैमरस्ले रेंज, हिंदी में बता रहा हूं हैमरस्ले रेंज। दूसरा है आयरन नॉब, आयरन नॉब, लोहे की गांठ, आयरन नॉब। यहां पर वहायला, वहायला जगह का नाम, ऑस्ट्रेलिया। उत्तर अमेरिका डन, दक्षिण अमेरिका डन, अफ्रीका डन, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। अब बचा एशिया, एशिया हमने अभी नहीं किया है, बट एशिया फिर भी लिखवा दे रहा हूं, लिखवा दे रहा हूं, फिर अब हम मानचित्र में चलेंगे। एशिया, एशिया में आते हैं, फिर से रूस आएगा, क्योंकि रूस तो एशिया में भी है, यूरोप में भी है, तो यहां पर यूराल आएगा, यहां पर बैकाल झील आएगी, बैकाल झील, जहां पे जगह का नाम इरकुत्स, ठीक है, बैकाल झील। उसके बाद आ जाएगा चाइना, चाइना, चाइना में क्या है? चाइना, 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 चाइना क्या था? मंचूरियन पठार, मंचूरियन पठार, और शानडुंग, शानडुंग, सर इंग्लिश में कैसे लिखे? अरे इंग्लिश में शांडुंग, शांडुंग लिखा जाएगा, SHANDUNG। प्रायद्वीप कैसे होता है सर? पेनिनसुला बच्चे, पेनिनसुला, ठीक
भारत 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 में छोटा नागपुर पठार। बच्चे भारत की शील्ड छोटा नागपुर पठार, झारखंड का छोटा नागपुर पठार ये कहां पर है? कुछ झारखंड में है इसका हिस्सा, कुछ ओडिशा में है और कुछ इसका हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी है। छोटा नागपुर का पठार और कर्नाटक का पठार। ये कर्नाटक में भी फैला है, आंध्र में भी फैला हुआ है, गोवा में भी फैला है और महाराष्ट्र में फैला है। ये हो गए हमारे विश्व के लॉयस्क। ओके हो जाए तो बताइए, ओके हो जाए तो बताइए। ओके हो जाए तो बताइए। ओके हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू कुमार कह रहे कोई दिल्ली से है क्या? क्यों भाई, तुम क्या छोले भटूरे का खोमचा खोलने वाले दिल्ली में? कहो तो बोल रहा हो पुलिस वाले से कोई जान पहचान हो, हमको छोला भटूरा का खोमचा खोलना है, पूछ रहा कोई दिल्ली से है क्या? ए भाई कोई है क्या? ए दिल्ली वाले भैया, पहले ये वाला लगा लो। डीजे वाले भैया, लिखवाने के मूड में है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन मेरा मूड तो क्लियर है, तुम्हारा क्या है ये बताए दो। फिर कोई बोलेगा सर कमेंट काहे पढ़ रहे हैं? अरे पता तो होना चाहिए कितने लोग भरोसा कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। ये सब टेस्ट बुक में करने पर मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा यार। एक तो ना मतलब आपको आपको शिक्षक जो है राजा बनाना चाहता है, आप एकदम राजा बाबू बन जाते हैं। बताओ तो बताइए, इससे नफरत है कि नहीं है? इस सूची से नफरत है ना हमें? ये सूची तो कभी याद ही नहीं होती। तो एक तो मैं आप लोगों को इंप्रेस करना चाह रहा था, देखो मुझे सब याद रहता है ना। कई बार ऐसा होता है कि बाकी शिक्षक अपने नोट्स जो है ऐसे ऐसे लिखवा रहे हैं मोती की तरह से, ये सचिन सर जो है समझाए देते हैं और फिर समझ भी आ जाता है, फिर वो सब क्या करें। तो हमने कहा हम भी इंप्रेस करेंगे यार। एक तो हम इंप्रेस करने के लिए लिख दिए, एक तो पहला ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जब हम इसके खिलाफ हैं, जब हम ऐसे पढ़ने के खिलाफ हैं, क्योंकि ये याद नहीं रहता इसे तो हम छोड़ देते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप पर एक दबाव एक खिंचाव पड़ता है। नए नए शब्द हैं, पहली बार तो आपसे टकराएंगे। अब शांडुंग, अब ये शब्द कभी सुना ही नहीं, ये हमारा हो ही नहीं पाएगा। तो एक बार जब उसे लिखते हैं तो शांडुंग पेनिनसुला, मंचूरिया का पठार। अभी तो मंचूरियन खाते हैं हम, तो मंचूरिया ये शब्द है। तो मैं इनसे थोड़ा सा आपका परिचय कराना चाहता था और अब मैं इन्हें पढ़ाना चाहता हूं। तो एक चीज ये है कि जब मैं इन्हें अगर मानचित्र पे दिखा के चल देता, तो जो चीजें मैंने दिखाई अभी तक आपको मानचित्र पे, सागर है और देश है, उनकी राजधानी है, वो तो कभी भी ढूंढ लोगे। इन्हें ढूंढना मुश्किल है। जब मैं दिखा रहा होता तो आपका मन करता लिख लूं, और जब लिखते तो वो मिल नहीं पाता, तो आपका आत्मविश्वास गिर जाता। इसलिए विश्वास करो ताकि आपकी गहरी अंतरात्मा को शांति मिले कि सर ने पहले लिखवा दिया इसलिए लिखवाया। बट अब इस पे हम कार्रवाई करेंगे। ये शब्द देने से पहले, ये सारे शब्द देने से पहले मैंने खानसर वाली एटलस देख ली है, उसमें ये दिए हुए, और मैंने अपनी ओरियंट ब्लैक स्वान देख ली, उसमें भी दिए हुए। तो अधिकांश चीजें तो दी हुई होंगी, घबराना बिल्कुल नहीं है, तो मिल जाएंगी। अब हम एटलस में जाने वाले हैं। अब सभी लोग हम क्या करने वाले हैं? एटलस में जाने वाले हैं। तो क्या अपनी एटलस खोल लेंगे, उत्तर अमेरिका पे चलें थोड़ी देर के लिए और देखते हैं, आनंद लेते हैं उत्तर अमेरिका। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ उत्तर अमेरिका देखें। ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या ढूंढना है? आपको ओके लिखना है। ये सारा का सारा एरिया कैनेडियन शील्ड है या नहीं है?
ओके लिख दीजिए, अपनी में चेक कर लीजिए। भौतिक मानचित्र में लिखा होगा, दो मानचित्र होते हैं आपके पास, एक भौतिक होता है फिजिकल और एक राजनीतिक, दोनों खोल के रखने हैं। सर ये बहुत गलत बात है सर, दो पेज एक साथ कैसे खोलूंगा? देखो भाई, अगर आप ऐसा कह रहे हो दो पेज एक साथ कैसे खोलूंगा, तो आप बहुत ज्यादा बेईमानी कर रहे हो। मैं इतनी आसानी से आपकी बेईमानी लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि घानसर की एटलस और कोई भी एटलस हो, उसने दोनों पेज एक ही साथ दिए हैं। जब भी देते हो दोनों पेज एक ही साथ देते हैं, तो जल्दी से खोल लीजिए। कोई बहाना, कोई इफ, कोई बट मैं लेने नहीं वाला हूं, ठीक है? देखो ऐसा होगा, दोनों एक ही जगह पे खुल जाएंगे। खुल गए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों एक काम करेंगे, इस पर अपनी ही कॉपी से एफ ई लिख देंगे। आपको पता है लोहे का भंडार है, निकल भी लिख दो, निकल भी यहीं पर मिलेगा, निकल भी यहीं पर मिलेगा, ठीक है? अब मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, सुनते जाना मुझे। ये है महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्रों के बाद ये है सीमा रेखा, इसकी कनाडा और यूएसए की सीमा रेखा है। अधिकांशतः लोग इसी सीमा रेखा के 50 से 100 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, लिखना नहीं है, बनाना भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप अपनी सूची बना चुके, एकदम आश्वस्त रहिए, यहां पे देखते रहिए जो मैं बता रहा हूं। हाँ सर, महान झील मुझे दिखाई दे रही है, महान झील पे सर मुझे कनाडा की राजधानी ओटावा दिखाई दे रही है, ठीक है, दिखाई दे रही है। और सर यहां पर एक नदी जा रही है, बच्चों कौन सी नदी थी अंतरराष्ट्रीय सीमा, किसी को याद है नदी का नाम? सर सेंट लॉरेंस नदी, याद है मैंने इसे क्या कहा था? उत्तर अमेरिका की आर्थिक जीवन रेखा बताया था। आज उसका कारण बताने जा रहा हूं, आज उसका कारण बताने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कहानी मेरे पास है, मेरी कहानी से निश्चित रूप से आपकी मेमोरी में भी जाएगा। समझा के पढ़ा रहा हूं, मैडम ने कहा था सर समझा के पढ़ाओ, अब मैडम पता चला फोन से निकल के हमको मारने लगी, मास्टर जी पिटा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। तो मैडम की बात मान ली, हम डर के मारे मान गए, मीना जी की बात हम ना मान पाए थे, लेकिन इतने में हम कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये सेंट लॉरेंस नदी है। अब दिक्कत यह है, आबादी सारी यहां पर है, आबादी सारी यहां पर है, लेकिन माल यहां पर है, तो क्या किया जाए? तो यहां पर एक खनन का शहर बना, इस शहर का नाम है शेफर विले। जल्दी से देख के बताइए, इसी जगह पर जाइए जहां पर मैंने बिंदु लगाया है, क्या शेफर विले लिखा हुआ है आपकी एटलस में? राजनीतिक मानचित्र में देखिए जरा, शेफर विले दिख रहा है? एकदम मिल जाएगा राजनीतिक में, शेफर विले, ओके कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, देख के आया हूं मैं, सभी एटलस में दिया है, ओके कर दीजिएगा, शेफर विले मिल गया तो। और चिंता नहीं करनी, आपने नोट्स में पहले लिख लिया, ओके ओके आ रहा है, ओके आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बस इतना काम करना था। अपना पेन ले रहे हैं ना, पेन से बच्चों मार्क कर लीजिए, शेफर विले ऊपर लिख लीजिए एफ ई। अब क्या होगा, जब भी एटलस खोलूंगा, कोई भी एटलस हो, चाहे खानसर की एटलस हो या कोई और रख रहे हैं, पता है कि भाई लोहा यहां पर, इससे क्या पता चलता बच्चों, यहां पे शील्ड है। इस शील्ड का नाम क्या बच्चों, इस शील्ड का नाम क्या है, इस शील्ड का नाम बच्चों ये है कैनेडियन शील्ड, लेबराडोर शील्ड, ये आप पहले लिख चुके, ये आप लिख चुके। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार के व्यवधान हो, आपको समस्या, ठीक है? अच्छा, अब दिक्कत ये है कि इसका क्या करें हम, तो हमने क्या किया, यहां पर एक झील है, उसके साथ देखिएगा एक नीले रंग का पानी का बिंदु भी होगा, ध्यान देखिएगा, पेपर विले के नीचे देखिए झील है कि नहीं, झील है। तो हमने क्या किया, लोहा झील में फेंक दिया। अरे सर ये तो गलत बात है, नहीं नहीं लोहा झील में नहीं फेंका बच्चों, यहां से हम इनलैंड ट्रांसपोर्ट, नाव यूज करने वाले, और नाव से आएंगे ऐसे घूमते घूमते घूमते, और यहां पर एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पत्तन है, जिसका नाम है सेप्ट आइल्स। सेप्ट मतलब सात, आइल्स मतलब द्वीप। जल्दी से देख के बताइए, सेप्ट आइल्स मिला कि नहीं मिला? थोड़ा सा नीचे आइएगा, नदी के मुहाने पर, नदी के मुहाने पर SEPTILES मिला या नहीं मिला? अरे सर मिल रहा है, बहुत सही मिल रहा है आज तो, आज सभी को मिलेगा, हम खुद चेक करके आए, हमने कहा भाई अटकेंगे नहीं, ठीक है, मिल गया, अच्छी बात है, आप तो लिख भी चुके हैं। तो कहानी कहां तक पहुंची, वहां पे खनन करेंगे और नाव पे डाल के यहां ले आएंगे, नाव पे डाल के यहां ले आएंगे, और ये सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि लौह अयस्क बहुत ज्यादा भारी होता है और उसमें हम सस्ता ट्रांसपोर्ट चाहते हैं। अच्छा, अब कनाडा के पास
ऑप्शन है, दो विकल्प है, एक इसको एक्सपोर्ट कर दो, लॉ एस को एक्सपोर्ट कर दो, निर्यात कर दो, इसको लॉ एस के भूखे यूरोप को, यूरोप में लॉ एस खत्म हो चुका है, वहां औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ, औद्योगिक क्रांति वहां शुरू हुई और खूब सारा लोहा चाहिए था, वो अपना सारा लोहा पी गए, अब उन्हें दुनिया से चाहिए, भाई दे सकते हो, तो कनाडा के पास एक विकल्प ये है कि कनाडा इसे निर्यात कर दे या फिर कनाडा इसे अपने यहां पर इस्पात के संयंत्र लगा ले। इस्पात संयंत्र क्या होते हैं बच्चों? स्टील प्लांट लगाए और खुद यूज कर ले। आप बताइए क्या करेगा कनाडा, को क्या करना चाहिए? समझदार बच्चे आप, ए करे या बी करे? ये तो पता चल गया कहां पर है। तो किसी बच्चे ने कहा सर ऑक्सफोर्ड में नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? शेफर विले हो सकता है ना हो, तो वहां पे लिख देना जहां मैंने बिंदु डाली, सेप्टाइल्स तो मिल जाएगा ऑक्सफोर्ड में भी, ठीक है? ऑक्सफोर्ड में नहीं मिल रहा, चलिए ऑक्सफोर्ड में नहीं है तो बच्चों मैंने कहा इस बिंदु को डाल देंगे, इसलिए फोटो भी बना दी। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों ने ओके कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो घबराना नहीं है। ए करें या बी करें जल्दी बताओ बच्चों? ओरियंट ब्लैक स्वान में है, बिल्कुल ब्लैक स्वान में मिल जाएगा, ब्लैक स्वान में भी मिल जाएगा, आंसर की एटलस में भी मिल जाएगा। यार बहुत सारे खनन के स्थान होंगे, मैंने एक ढूंढ लिया। ए करें या बी करें? निर्यात कर दें, अपने पास रख लें, निर्यात करें या अपने पास रख लें? कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। सर ऑक्सफोर्ड में है सर, मैं भी वही देख रहा हूं। देखिए बच्चों राजकुमार ने ढूंढ लिया, ऑक्सफोर्ड में भी है, ऐसा मत करो। ऑक्सफोर्ड में कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिला, तो क्या कर दे बच्चों? रखें या बाहर निकाल दें? तो स्टील प्लांट लगाने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे? पता नहीं मुझे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, ये मेरे पास लॉ एस्क है और यूरोप में इसकी बहुत ज्यादा मांग है, लॉ एस्क का निर्यात करूं या ना करूं? ठीक है, निर्यात करूं या ना करूं? खान सर की एटलस में नहीं मिल रहा। विनय कुमार ये तो मैंने ही ढूंढ दिया है, ये वाला मजाक मत करना, पहले दिन क्लास में आयो, पॉलिटिकल मैप में मेरे सामने खान सर की एटलस खुली हुई है, मेरे पास ओरियन ब्लैक स्वान खुली हुई है, तो वैसा मुन्ना बनोगे तो आगे ना बढ़ पाएंगे हम, ठीक है? जगह भी दिखा दी, यहीं पर लगभग देखना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यहीं मिल जाएगा सेप्ट आइल्स, स्पेलिंग भी लिख दिया और वो भी लिख दिया। एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं बच्चों, एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यूपीए सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, यहां दिल्ली सरकार और यहां कर्नाटक की बेंगलोर में सरकार, बेंगलोर ये है कर्नाटक, तभी लोग कहानी सुनेंगे। कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सरकार ने कर्नाटक सरकार को कहा कि देखिए आपके पास इतना सारा लौह अयस्क है, इतना सारा लौह अयस्क है, तो एक काम करिए, क्यों नहीं आप एक इस्पात संयंत्र लगा देते हैं? आप क्या करिए, इस्पात संयंत्र लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, देश को इस्पात की जरूरत है, स्टील की जरूरत है, तो स्टील प्लांट लगा दीजिए और वहां पर कर्नाटक के लोगों के लिए रोजगार भी हो जाएगा। अच्छा आइडिया या नहीं? यूपीए का आइडिया अच्छा है कि नहीं? केंद्र सरकार ने अच्छी बात कही है सर, ऑक्सफोर्ड में बच्चों ये सब में है, मैं इसीलिए ढूंढ कर लाया हूं, बट मैं क्या ही बताऊं, ठीक है? कोई बात नहीं बच्चों, आप ध्यान दीजिए, आपको मिल गया ना। क्लास में कितने लोग हैं? यहां पर मैं हूं, क्लास में यहां पर मैं हूं। दिव्या मैडम ने कहा है कि सर समझा के पढ़ाइए, दिव्या मैडम के लिए कर रहा हूं, स्कूल बिल्कुल वो है ना। तो कर्नाटक यूपीए सरकार ने कहा कि भाई यहां पे स्टील का संयंत्र लगा लीजिए, लोगों को नौकरी मिलेगी, देश को स्टील मिलेगा। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार को कहा बहुत बहुत धन्यवाद, हम बिल्कुल लगा लेंगे स्टील का संयंत्र। ये लगाना बहुत महंगा होता है, स्टील का संयंत्र लगाना बहुत महंगा होता है, पैसा भिजवा दीजिए हम लगा देंगे। दिल्ली सरकार ने कहा हमारे पास पैसा नहीं, तो बोले इतना बड़ा मुंह काहे रखते हो, पैसा नहीं तो बकवास काहे कर रहे हो, अपना अपने पास रखो। केंद्र सरकार दुखी, केंद्र सरकार ने बात तो सही कही थी लेकिन संयंत्र का इतना पैसा अनुदान दे नहीं सकते। केंद्र सरकार ने एक और आइडिया लगाया,
केंद्र सरकार ने कहा एक काम करिए, ये है जापान। जापान विश्व में बहुत ज्यादा इस्पात बनाता है, लेकिन इसके पास अयस्क नहीं है, लौह अयस्क नहीं है। तो एक काम करिए, वैसे तो हमें इस्पात चाहिए, आप ना यहां से लौह अयस्क निकालिए और ये गोवा का पोर्ट है, गोवा, गोवा से आप ये अयस्क को निर्यात कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अयस्क को निर्यात कर दीजिए। उससे क्या आएगा? जापान से आएगा धन। जब आपके पास धन इकट्ठा हो जाए, जब आपके पास धन इकट्ठा हो जाए, तो ये जितना भी धन है ये देश की धरोहर है, ये अयस्क हमारे देश की धरोहर है। क्यों किसी और को देना है? क्यों किसी और को देना है? अयस्क तो देखो भाई सस्ता होगा, स्टील महंगा होगा। तो जैसे ही आपके पास पर्याप्त साधन आ जाए, आप स्टील प्लांट लगा लीजिएगा और इससे आपका भी काम होगा, हमारा भी काम होगा, हम आपको परमिशन दे देंगे। अच्छी अच्छी बात है कि नहीं है? सभी लोग अच्छी वाली बात है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि आप फिलहाल जब तक आपके पास नहीं, आप निर्यात कर दीजिए। केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, कर्नाटक सरकार ने कहा ठीक है। अब बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। केंद्र सरकार ने पूछा, हाँ भाई स्टील प्लांट लगाया, अरे सर पैसा कहाँ आ रहा है, बहुत कम आया है, अभी तो होगा नहीं होगा। अब न जाने क्या किस्मत थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने इसका ऑडिट कर लिया और ऑडिट में एक बहुत बढ़िया चीज पता चली। क्या पता चला? क्या पता चला? यहां पर आया इलीगल माइनिंग। ये क्या होती है सर, ये बताएं हमें। इलीगल माइनिंग का मतलब ये कि जितना आपको माइनिंग का लाइसेंस दिया है, मान लो 10 टन का लाइसेंस दिया है, आप 100 टन निकाल लिए। 10 टन का लाइसेंस है आपके पास, आप 100 टन निकाल लिए और बिल में कितना दिखाओगे, निर्यात कितना दिखाओगे? 10 टन का, उदाहरण दे रहा हूं बस। और बहुत सारे तरीके हैं इलीगल माइनिंग के, आप दिखाओगे कि हमने 10 टन निर्यात किया, किया कितना था? 100 टन किया था। 90 टन किसकी जेब में गया? 90 टन किसकी जेब में गया? समझ रहे हैं? 90 टन जा रहा है राजनीतिज्ञ की जेब में। आपको पता है लॉकडाउन में और उससे पहले नोटबंदी में लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था, और आपने देखा होगा रेड्डी बंधु, जनार्दन रेड्डी, रेड्डी बंधु जो यहां पर थे, उनके यहां पर उनकी बेटी की शादी थी, इससे बड़ी शादी नहीं हो सकती, ये रेड्डी बंधु इसी के लिए जेल में भी गए थे। आप सोचिए 10 टन दिखा रहे हैं और जो एक्स्ट्रा है वो सब जेब में जा रहा है, और इससे होगा क्या? कभी भी आपके पास दिखाने को तो पर्याप्त होगा नहीं धन। और आप बताइए ऐसे नेता लोग क्या ये कभी भी चाहेंगे स्टील प्लांट बने? और आप मुझे बताइए, ये मेरे देश की धरोहर है, ये मेरे भारत की धरोहर है, जिसे हम इलीगल माइनिंग करके बेच रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? हम अपने देश की दौलत वहां भेज रहे हैं, और जब यूपीए सरकार चली गई तो जब एनडीए सरकार आई, मोदी जी ने कहा कि कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि भारत इस्पात तो निर्यात कर रहा है और चीन से स्टील का आयात कर रहा है। और सच बात है, ये सच बात है। तो आपने देखा होगा कैग की रिपोर्ट में कितनी सारी, और ये कहां पर हुआ? एक राज्य सरकार ये घोटाला कर रही। सर ये कांग्रेस सरकार थी या भाजपा सरकार थी, मुझे पॉलिटिक्स में जाना नहीं, क्योंकि जो रेड्डी बंधु थे उस समय कांग्रेस में थे, उसके बाद जेल के बाद अब भाजपा में भी आ गए हैं, इनका इनको कोई दिक्कत नहीं होती, ये दोनों पार्टियों में, दोनों पार्टियां उन्हें लेने को तैयार हैं, क्योंकि धन इनके पास बहुत है। और वो धन कहां से आया आप बता दो, धन कहां से आया आप बता दो। कैग का ऑडिट हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर माइनिंग बैन कर दी। आप सोचिए लौह अयस्क का खनन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक इसकी इंक्वायरी ना हो जाए बैन कर दीजिए। आप सोचिए भारत का एक अहम संसाधन, अब हम उसे निकाल नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें अनियमितताओं का जब तक जांच नहीं होगी तब तक इसे बैन रखिए। यहां के लोगों के रोजगार गए, देश के लिए एक कच्चा माल चला गया जिससे हम इस्पात बनाए, सिर्फ किसके कंफर्ट के लिए? किसी एक राजनीतिज्ञ के लिए।
सच में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, और कहीं पर भी घूम कर आता हूं तो सोचता हूं कि मैं देश के भविष्य इन बच्चों से बात कर रहा हूं, मैं क्यों क्यों ना इन्हें बताऊं कि क्यों हम ये राजनीति में बढ़ते हैं, क्यों हम ये राजनीति में बढ़ते हैं। ये राजनीतिज्ञ किसके हुए, कौन सी पार्टी में थे भाई, कौन सी पार्टी में थे? तो जो जहां पर धनलक्ष्मी मिल जाती वहां चले जाते हैं ये। लो एस्क मतलब आप यूं समझिए, आलू बेचना ज्यादा पैसा देगा या आलू का चिप्स? वो बोले थे ना राहुल गांधी, इधर से डालूंगा आलू, उधर से सोना निकालूं, कुछ ऐसा बोले थे। सही गलत तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये जरूर है भाई, चिप्स महंगा मिलता है ना। हम बहुत क्लियर हैं, लो एस्क सस्ता जाएगा, इस्पात महंगा जाएगा। तो आप मुझे बताइए, एक विकासशील देश में उसी के नेताओं ने जो सभी पार्टियों में आते जाते रहते हैं, उन्हीं पार्टियों के सदस्य, दोनों पार्टियों के सदस्य, दोनों लीडिंग पार्टियों के सदस्य, जब मन करता है। मौसम भैया, अभी कर्नाटक में चुनाव होने वाले, पता करिएगा रेड्डी बंधु किस पार्टी में इस बार खेलने वाले हैं। वो भी वहां पर खेलेंगे जहां पर मोटा पैसा बनेगा, ठीक है। विकासशील देश में ये हो सकता है। आपको लगता है एक विकसित देश ये काम करेगा? आपको लगता है भेजेगा अपना? आपको लगता है विकल्प ए रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। ये कहेगा, सुनो मेरे पास इस्पात संयंत्र है, HOT, हॉट। चलिए हॉट क्या होता है, आप ही ने लिखा है बच्चों, हॉट, HOT। सर ये क्या है, ये कनाडा के इस्पात संयंत्र है बच्चों, इस्पात संयंत्र के शहर, स्टील प्लांट है। कहां पर? हॉट टाउन्स, हैमिल्टन, ओटावा, टोरंटो। ओटावा उनकी राजधानी है। तो फिर आप कटवाए क्यों बच्चों? मैं क्या बता रहा था, लॉ एस का वितरण, ये तो क्या है, इस्पात संयंत्र है, इसलिए कटवाए। तो फिर लिखवाए क्यों थे? ताकि आपको पता चले कनाडा को जरूरत पड़ी, कनाडा को जरूरत पड़ी तो वो अपने इन शहरों में लॉ एस्क ले जाएगा और स्टील बनाएगा, और विश्व में क्या करेगा, स्टील का निर्यात कर देगा, ठीक है। अच्छा एक और बताइए मुझे, एक और बताइए बच्चों मुझे, एक और बताइए मुझे, अगर अगर कनाडा के हॉट टाउन ने कह दिया भैया और नहीं ले सकते, और नहीं ले सकते, अब नहीं चाहिए, तब क्या कनाडा को निर्यात करना चाहिए, तब करना चाहिए? तो आपको ये बता दूं, कनाडा का नेबर है यूएसए, कनाडा का नेबर है यूएसए, और कनाडा और यूएसए के जो अंतर संबंध है ना, उनमें उतना प्यार नहीं है जितना भारत पाकिस्तान में प्यार है, उतनी मोहब्बत नहीं है उनमें। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से व्यापार करने में कोई भी बुरा नहीं मानते। तो नदी के उस पार यूएस है, नदी में माल आ रहा है, सोचिए, यहां से डाला झील से पानी, पानी से नदी में ले आए, नदी बहुत ही सस्ता परिवहन है, और हॉट में दिया, नहीं दिया तो भाई एक काम कर, जहाज मोड़ ले और जरा यूएस की तरफ दे दो। और यूएस का शहर है बच्चों यहाँ पे डेट्रॉइट, मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, डेट्रॉइट ये जो शहर है, इसको विश्व की ऑटोमोबाइल कैपिटल कहा जाता है। वाहन, जो वाहन बनते हैं, ऑटो वाहन, ये यहां पे बनते हैं डेट्रॉइट में। सारी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहां पर है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, जिस शहर में कारों का निर्माण हो रहा है, कारों का, वाहनों का निर्माण हो रहा है, विश्व की वाहन राजधानी, उसको स्टील चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा बच्चों? सर चाहिए होगा। तो यहां पर मैंने तीन शहर ढूंढे, BCD, और टाउन्स के नीचे मैंने क्या ढूंढे, तीन शहर BCD, बफेलो, क्लीवलैंड और डेट्रॉइट। सभी लोग ढूंढेंगे, आपको क्लीवलैंड और डेट्रॉइट तो मिल जाएगा, हो सकता है बफेलो ना मिले, जरा चेक करिए। तो भारतीय जो बफेलो प्रेमी है, दूध बहुत पीते हम लोग, सो भैंस तो जरूर याद रहेगी आपको, बट क्लीवलैंड और डेट्रॉइट याद कर सकते हैं। और काटे क्यों, क्योंकि ये यूएस के, ये कैनेडा के इस्पात संयंत्र है, ये यूएस के इस्पात संयंत्र है। सभी लोग मेरे साथ ओके कर दीजिएगा अगर मिल गए तो। हॉट भी मिल गया होगा, हॉट टाउन्स, और ये भी मिल गया होगा, मिल गया, ओके कर दीजिए। ये होता है अगर देशों में मैत्रियों मैत्रीपूर्ण संबंध हो। आप सोचिए, पाकिस्तान की हालत खस्ता है,
अगर हमसे मैत्रीपूर्ण संबंध होते तो भारत जिस जिस मान्यता के साथ, जिस जिस मौलिकता के साथ करता है, तो हम निश्चित रूप से पाकिस्तान की भी मदद करते, पाकिस्तान की बाढ़ में भी मदद करते, अर्थक्वेक में भी, भूकंप में भी करते हैं। लेकिन हमारे विपरीत ही सोचना है, हमारा नुकसान ही सोचना है, तो ऐसा आता है क्यों करें। लेकिन यहाँ पर देखिए, विकसित देशों में ये भी एक खास बात है कि आपसी बैर एक दूसरे के विकास के आड़े नहीं आते। पाकिस्तान मरते मर जाएगा लेकिन भारत से मदद नहीं लेगा, कोई बात नहीं, जब मर जाओगे तो हम ही उठाने आएंगे ना भाई, क्या कीजिएगा। सभी लोग मिल गया कि नहीं? ओके हो गया। बीसीडी, क्लीवलैंड और डेट्रॉइट मैंने देख लिए भाई, नदी के नीचे है। कौन सी झीले है? ईरी ऑन्टेरियो दिख रहा है झील के नीचे, ऑक्सफोर्ड में मिल गया, आंसर वाली में मिल ही रहा है। ठीक है, कोई कह रहा ऑक्सफोर्ड में नहीं मिला, बाकी को मिल गया। सिर्फ नदी देखनी है, मैं आपको बता दूं कहां पर है क्लीवलैंड, एकदम लेक ईरी के नीचे। बच्चों ह्यूरॉन और ईरी लेक कौन से राजनीतिक मानचित्र में देखो, कहीं फिजिकल में देख रहे हो, जबरदस्ती मत करना, जिसमें शहरों के नाम होते हैं। सर बफेलो नहीं मिला, बिल्कुल ठीक है, बफेलो नहीं मिला। एक कह रहा ऑक्सफोर्ड में मिल गया, बिल्कुल मिलेगा भाई, झील ढूंढो, महान झीलों में ईरी झील के नीचे देख लो, लिखा हुआ क्लीवलैंड लिखा हुआ है, डेट्रॉइट लिखा हुआ है। ठीक है सर, बफेलो नहीं मिला तो बफेलो, यार तुम्हारा दिल है बफेलो में लगाए रखो। पीसीडी हमने क्यों काट दिया था बच्चों, क्यों काटा था जल्दी से बताइए, क्योंकि इस बात से अंतर है, हम आपको क्या बता रहे हैं, लॉ एस का वितरण। सभी लोग मेरे साथ, कैनेडा की कहानी खत्म, कैनेडा की कहानी खत्म। अब बच्चों मैंने आपको कहा था कि यहां पर हमारे पास वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन, न्यू फोल्ड माउंटेन यंग, और यहाँ पे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। इन ओल्ड फोल्ड माउंटेन का नाम क्या बताया था बच्चों, क्या बताया था आप देखिए, वो प्रारंभिक क्लास अभी काम आएगी। सर इन्हें एपिलेशन कहा था, इन्हें क्या कहा था, एपिलेशन, एपिलेशन कहा था। ठीक है, एपिलेशन में मैंने आपको बताया था श्रीमती मिशेल ओबामा के बारे में, मिशेल सबसे यहां की ऊंची चोटी। तो बच्चों मैंने आपके लिए बहुत सारे स्थान हैं जिनमें लोहा 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 भरा हुआ है। मैंने क्या किया, एक बिंदु यहां लिया ऊपर और एक बिंदु यहां लिया नीचे। ऊपर वाले में आप देखेंगे झील के नीचे एक नाम आएगा, ये जो झीले हैं ना, और ये नदी के नीचे एक नाम आएगा, वहां पे लिखा होगा बच्चों पिट्सबर्ग। देखिए पिट्सबर्ग लिखा है, जहां पे आपका डेट्रॉइट और ये था वहीं पे पिट्सबर्ग भी लिखा होगा, चेक करिए जरा। और दो नंबर जहां है, दो नंबर पे बेटा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा बर्मिंघम, मिला। पिट्सबर्ग तो वहीं पर हो गया, और बर्मिंघम बी फॉर बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, बर्मिंघम मिल जाएगा। कितने लोगों को पिट्सबर्ग मिल गया, ओके कर दीजिए, मिल गया सर, एपिलेशन में मिल गया, बहुत अच्छी बात है। ये सुप्रिया ने बहुत अच्छा किया कि ऑक्सफोर्ड में सर हमको सेफरविले सेप्टाइल नहीं मिल रहा, हम खुद ही लिख दिए, बहुत अच्छे सुप्रिया बेटा, बहुत ही गर्व है आप पे, बहुत सही काम किए। ठीक है सर, मिनरल में क्या सबसे ज्यादा आयरन ही होता है, शिखा चौहान जी हम आपको बता चुके हैं, दो तरह के धात्विक खनिज होते हैं, जो लोह वाले होते हैं उनमें सबसे ज्यादा आयरन होगा, जो अलोह होते हैं बेटा उसमें नहीं होगा। ठीक है सभी लोग मेरे साथ, सर हैमिल्टन क्या यूएस में बेटा, बताए तो कौन से टाउन है, हॉट टाउन किसके हैं, कनाडा के हैं, कनाडा बताए ना बच्चे, आपको लिखवा चुके हैं हम। ठीक है तभी मिल गया, बहुत अच्छी बात। अच्छा हो सकता है कि आप भूलना चाहें, सर एक जो है भूल जाऊं तो भाई पिट्सबर्ग मत भूलना, ये विश्व की इस्पात राजधानी है, विश्व की इस्पात राजधानी। इस्पात राजधानी का मतलब बच्चों स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व में अगर इस्पात का कोई अभिप्राय है तो वो पिट्सबर्ग है। जिस तरह से वाहन के लिए डेट्रॉइट शब्द आता है, इस्पात के लिए कौन सा शब्द आएगा, पिट्सबर्ग। तो अगर भूलना हो, वैसे तो मैं कहूंगा बी से बॉटम, बी से बर्मिंघम याद कर लेना, बट अगर भूलना हो तो ये। ठीक है अच्छा, ये जो नदी है ना बच्चों, ये जो नदी है ये ऐसे आती है, ये सब इन झीलों से जुड़ी हुई है। आप हैरान होंगे ये झीलों में भी तो लोहा भरा है, और ये जो सुपीरियर झील है बच्चों, याद है सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील के जस्ट यहां पे आइए और आपको लिखा हुआ मिलेगा डुलुत,
एक पोर्ट है सुपीरियर पर। आप सोचिए, इतना बड़ा वरदान है कि यहां भी लोहा, यहां भी लोहा, और साथ में नदी यातायात भी मिल गया। जल्दी से सुपीरियर में आइए, सुपीरियर में आ जाइए। सुपीरियर सबसे बड़ी झील, और उसके राजनीतिक मानचित्र पे देखिए, कोने पे लिखा होगा डुलुत, लिखा है कि नहीं? डुलुत के नीचे कुछ एटलस में M फॉर मेसाबी भी लिखा है। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। डुलुत और मेसाबी मिल गया तो भैया क्या करो, खनन करो, ओद के नाव पे डाल दो, ये नाव लेकर चली जाएगी कहां से, झीलों से होती हुई नदी में आएगी, हॉट टाउन में, बीसीडी टाउन में, और आपके पास पूरा विकल्प है, निर्यात भी कर दो। सभी लोग खत्म खत्म हो गए। कहानी फिर से दोहरा दूं, कहानी फिर से दोहराऊं। शील्ड में भरा है लोहा, कौन सी शील्ड? ऊपर एक शील्ड, कैनेडियन शील्ड, एपिलेशन शील्ड, और झीलों वाली शील्ड, तीन जगह पे लोहा भरा हुआ है। लोहा है तो यहाँ पे निकल भी मिल सकता है, मैंगनीज भी मिल सकता है, क्रोमियम भी मिल सकता है। ठीक है, वैसे मैंने निकल लिख दिया, थोड़ा बहुत बाद में बता दूंगा उसके बारे में। अब लोहा निकालना था लेकिन आबादी नहीं है, तो एक शहर ढूंढा, शेफर विले में खुदाई की, नाव में डाला, नाव से आगे कहां पर, सेप्टाइल, सात द्वीप नाम के एक पोर्ट पे आ गए, पत्तन पे आ गए। अब उससे हम निर्यात भी कर सकते हैं लेकिन अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम इस्पात में ले जाएंगे, इस्पात बनाएंगे, हॉट टाउन्स, हैमिल्टन, ओटावा, टोरंटो, कहां है, नदी के ऊपर ही है, ओटावा इनकी राजधानी है, वरना बीसीडी, बफेलो, क्लीवलैंड, डेट्रॉइट। बफेलो याद रहे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बफेलो तो हम प्रेमी हैं, गाय भैंस से हमें जो भी मिलता है, हमारे दूध मिलता है, गोबर मिलता है, गौमूत्र मिलता है, वो सब तो लगा ही रहता है, तो बफेलो तो याद रहेगा भारतीयों को, लेकिन सीडी याद रखिएगा। मैंने सोचा ए बी सी डी वाला बीसीडी ले लेता हूं, ए हट गया मेरे पास। ठीक है, तो बफेलो, क्लीवलैंड, डेट्रॉइट आ गया, और सबसे बढ़िया बात, झीलों में भी भरा हुआ है, और झीलों में सुपीरियर झील पर एक पोर्ट है जिसका नाम है डुलुत। अच्छा, फिर यहां पर आ गए एपिलेशन में, उत्तर में एक ले लिया, दक्षिण में एक ले लिया, जो बॉटम पे था वो बर्मिंगम शहर है, और ऊपर जो था पिट्सबर्ग, वो इस्पात की राजधानी। यहां तक क्लियर? कोई बोला सर ऐसे नेता नहीं आने चाहिए पॉलिटिक्स में, बेटा फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, फिर जीतेंगे, क्या करें, यहां तक आ गए। दक्षिण अमेरिका चलोगे बच्चों मेरे साथ? सर तो ये सब हम भूल जाएंगे, लिखवा दिए थे हम, अब समझ में आया? कुछ लोग ऐसे हैं, सर समझा के पढ़ाइए। अरे बाबा समझाएंगे, पहले लिख तो ले, अगर समझाने लगते तब दिक्कत थी। महान झील क्षेत्र सब कुछ लिख चुके हो आप, कुछ नहीं छूटेगा, लिख भी चुके हो जादू हो जाएगा, बट कहानी रहनी चाहिए वो जरूरी है। अब आगे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में बहुत कुछ लिखवाया मैंने, चित्र बना दूं बच्चों, दक्षिण अमेरिका की कहानी कर दूं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में बच्चों यहां पर एक शील्ड है और यहां पर एक शील्ड है। ठीक है, इस शील्ड का नाम क्या है? गियाना शील्ड, याना की शील्ड है। शील्ड में क्या होते हैं? खनिज होते हैं। खनिज में यहां पर लोहा भी है और एल्यूमिनियम भी है। लिख लोगे यहीं पर? निकाल लें, मैं भी मानचित्र निकाल लूं बच्चों, जल्दी से निकालेंगे मानचित्र। मैंने कहा आज की क्लास में मैं बड़े आपके भरोसे पे क्लास ले रहा हूं। ये देखिए दो मानचित्र आ गए बच्चों, दो मानचित्र खोल लीजिए जल्दी से, बिल्कुल आपके भरोसे पे आज की क्लास है। ठीक है, याना, अच्छा किया ना, हाईलैंड में बच्चों वहां पर लिख दो एफई और एल, वहां पर भौतिक मानचित्र पर लिख दीजिए, आपके भौतिक मानचित्र पर ये मिल जाएगा, एफई और एल, लिख लिया। कुछ लोग अब तो यार आप एक्सपर्ट हो, 6 सेकंड लगते हैं इसको बनाने में, अपने ही नोट्स में बना लो, ये अपने ही नोट्स में बना लो। ये ब्राजील की शील्ड है, ये ब्राजील की शील्ड है, इसमें भी कुछ चीजें, ब्राजील की शील्ड में इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इसका नाम है काराजास प्रांत, काराजास प्रांत, और इस क्षेत्र का नाम है इताबीरा प्रांत, इताबीरा प्रांत, इताबीरा, इताबीरा में है मिनास गेराइस, मिनास गेराइस। अब ये निश्चित रूप से आप भूल जाओगे, निश्चित रूप से भूल जाओगे, बट फिर भी प्रांत है तो काराजास में मिलता है और इताबीरा में मिलता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत अहम चीज है जिसको नहीं भूलने देना चाहता हूं, एक शहर है, जैसे वहां शेफरविले था,
यहां वाले शहर का नाम है बेलो होरिजोंटे। ठीक है, मैं कहां पर हूं? ब्राजील में हूं, मैं ब्राजील में हूं। ब्राजील किस खेल के लिए जाना जाता है बताइए बच्चों? क्या आपको रियो डी जनेरो मिल रहा है बच्चों? रियो डी जनेरो, जल्दी से रियो डी जनेरो ढूंढेंगे। रियो डी जनेरो, ब्राजील का रियो डी जनेरो शहर, उस पे पेन रख लीजिए। रियो डी जनेरो पे पेन रख लीजिए सभी लोग, और उत्तर की तरफ चलना शुरू करिए। उसके ऊपर बेलो हॉरिजॉन्टे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बेलो हॉरिजॉन्टे। मिला या नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? रियो डी जनेरो ढूंढो, रियो डी जनेरो पे पेन रखो, और ऊपर जाओगे तो 2 सेंटीमीटर पे आपको बेलो हॉरिजॉन्टे मिल जाएगा। मिल गया। तो ब्राजील फुटबॉल के लिए जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, इस बार भी उम्मीद थी 2023 में कि ब्राजील वर्ल्ड कप जीतेगा। ठीक है, ब्राजील नहीं जीता, उससे पिछले वाले में भी उम्मीद थी, नहीं थी। लेकिन वो जो वर्ल्ड, 2 वर्ल्ड कप पहले वर्ल्ड कप हुआ यहां पर ब्राजील में ही हो गया फुटबॉल का वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि अब ब्राजील जीतेगा, लेकिन सेमीफाइनल में ब्राजील की भिड़ंत हो गई जर्मनी से। तब लोगों ने कहा कोई बात नहीं, ब्राजील जीतेगा, सेमीफाइनल चल रहा है, बिल्कुल जीतेगा। और जर्मनी ने ब्राजील को 8-1 से हराया, 8-1 से ब्राजील को हरा दिया, ब्राजील में जाके हरा दिया सेमीफाइनल में। हो सकता है 8-0 भी हो, मुझे याद नहीं आ रहा। अगले दिन खबर छप गई, इस्पात का शहर बेली होरिजोंटे बना, ब्राजील की फुटबॉल का कब्र, फुटबॉल की कब्र। क्यों, ये मैच कहां पर हुआ था? ये मैच कहां पर हुआ था? बेलो होरिजोंटो में हुआ था, इस्पात के शहर में वो मैच हुआ, और ब्राजील की फुटबॉल टीम इतनी बुरी तरह से हारी। लोगों को ये गम नहीं था कि ब्राजील हार गई, इतनी बुरी तरह से हारी, पूरी दुनिया का दिल टूट गया था, भारतीयों को छोड़कर, क्योंकि भारतीय तो क्रिकेट देखते हैं ना, हम तो ब्राजील में फुटबॉल देखते ही नहीं, मौका ही नहीं मिलता। हाँ सर, मैं तो क्रिकेट देखता हूं, तो फिर मुझे कैसे याद रहेगा? मुझे तो लगा खेल से आपको याद आ जाएगा, लेकिन सर मैं तो क्रिकेट खेलता हूं। तो आपके लिए एकदम देसी उपचार, लोहा कहां पे मिलता है? बेलो में। बेल क्या होता है? घंटा। घंटा किससे बनता है? लोहे से बनता है, लोहे का घंटा, उसमें मिलेगा लोहा। ठीक है, याद रहेगा, देसी स्टाइल में करना है, देसी कर लेना, थोड़ा फुटबॉल समझ रहे हो तो फुटबॉल से ले लेना, जैसे समझ में आए। ठीक है, काराजास इताबिरा प्रांत के नाम है, ये बड़े बड़े प्रांत होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, लेकिन उसमें खनन का क्षेत्र मैं ढूंढ रहा हूं, और खनन का क्षेत्र जैसे वहां शेफर भी लेता, यहां पे बेलो होरिजोंटे। ठीक है, कहां पे मिला मुझे? मैंने ढूंढा रियो डी जनेरो, और थोड़ा सा ऊपर गया और मुझे मिल गया ये। अच्छा, चिली की राजधानी क्या है बच्चों? जल्दी बताओ, चिली की राजधानी क्या है? अपने इसमें से देख के बताइए, चिली की राजधानी क्या है? एक कह रहा अल्तमीरा मिला है, भैया सबको बेलो होरिजोंटे मिल चुका है, अब तुम जो है क्लास के बाद ढूंढ लीजिएगा। बच्चों क्या है सर? सेंटियागो है बच्चों, सेंटियागो दिख रहा है, सेंटियागो दिख रहा है, यहां पर सेंटियागो होगा। मिल गया, अपना पेन रख लो सेंटियागो पे, सभी लोग अपना पेन सेंटियागो पे रखोगे, सभी लोग पेन सेंटियागो पे रखो, और उत्तर दिशा में चलने लगो, यहां तट पे लिखा होगा ला सरेना, ला सरेना लिखा है। ये सरेना क्या खेलती थी, कौन सा खेल खेलती थी सरेना? सरेना नाम से आपने नाम सुना होगा, सरेना विलियम्स, सरेना विलियम, ये विलियम बहने जो थी, क्या खेलती थी ये? मुझको सच में नहीं पता सर, मैं बस यूपीएससी पास करना है। अरे कुछ तो खेलती होगी ये, सेरेना नाम सुना है कि नहीं सुना है? एक कह रहा बैडमिंटन, अरे विश्व विख्यात टेनिस प्लेयर, टेनिस टेनिस, बट जैसा कि मैं बता रहा हूं ये क्लास में कहां ले रहा हूं, भारतीय छात्रों के साथ ले रहा हूं, जिन्हें क्रिकेट के अलावा कोई और खेल नहीं पता है, तो मैं बेवकूफ हूं कि मैं टेनिस और फुटबॉल की बात कर रहा हूं। आप ध्यान रखिएगा, बेल, बेल मतलब घंटा, घंटा मतलब लोहे से बना घंटा, और ला सरेना तो जैसे भी समझ में आए। सर ये यहां पर कैसे आया लोहा? एक शील्ड होगी ना बच्चों, एक शील्ड, आपको पता है महाद्वीप किससे बनते हैं? शील्ड और प्लेटफॉर्म, याद रहेगा। तो ला सरेना, ला सरेना, ला सरेना
और यहां पर क्या है, बेलो हॉरिजॉन्टे, बेलो हॉरिजॉन्टे, सभी लोग मेरे साथ, ठीक है, यानी समझे समझे ना समझे जो कुछ और नहीं जानते। सर हम देखिए बचपन में सर गुल्ली डंडा खेले थे, उसके बाद सर क्रिकेट ही देखे, ये सब हमको समझ नहीं आता। घंटा हॉरिजॉन्टे याद रख लीजिए, ठीक है। ला सरेना, सेरेना विलियम्स, अच्छी प्रतिष्ठित वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स, दोनों की दोनों विलियम बंधु जो है, विलियम बहने जो है, ये लोग टेनिस पे एक छत्र राज किया दोनों ने, ठीक है। ये देखो एक एक याद करने का सोचो, कील की लाश अड़े ना, और दूसरा है ला सरेना। ऐसे ऐसे सड़े हुए आइडियाज कितना भरेगा। पहली बार देख रहे हो, लड़की का नाम बता दिया, सरेना नाम की लड़की होती है, ला सरेना, सैंटियागो राजधानी, उसके ऊपर जाना है। मैं तो ये कह रहा हूं आपके मानचित्र पर यहीं पर लिख लो ना एफी, अगली बार जब देखोगे तो। और यहां पर बच्चों, यहां पर ये है पेरू चिली, पेरू चिली में आपको मिलेगा एरिका इक्विक एंटाफोगास्टा, ये क्या है बच्चों, तांबे के लिए, विश्व का एक चौथाई तांबा, तो एक चौथाई तांबा यहां से आता है। आप देखिए क्या नाम लिखा हुआ है वहां पे, एरिका इक्विक एंटाफोगास्टा, जल्दी से देखिए, सबको मिल जाएगा, सबको मिलेगा ये, विश्व का तांबा यहां पे पड़ा हुआ है, लोहा यहां पर। अब इसमें किसकी लाश सड़ाओगे, किस किस की लाश सड़ाओगे। एक तो ये हो गया ना, कहानी से इतनी सारी कहानियां बन रही होती है, फिर कहानी की कहानी बनेगी, कील की लाश सड़े ना, आधे लोग तो इतना घबराए हुए हैं, ये मेरी गारंटी है अभी जादू होने वाला है, ये मेरी गारंटी है, मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, ठीक है। सरेना और ये मिल गया एरिका इक्विक, और ये बच्चों इसे हाईलाइट कर लो, मार्कर है ना यहीं पे, कॉपर लिख लो, हमेशा के लिए हो गया, जब भी एटलस खोलूंगा। सर मेरे मानचित्र में नहीं मिल रहा, बेटा तुम भौतिक मानचित्र देख रहे हो, राजनीतिक में है ना बच्चे, ये नाम तो शहरों के नाम है, मिला एरिका इक्विक, नाम लिख दिए एंटाफोगास्टा, मजे से लिख लो। अरे सर ये याद कैसे रहेगा, विश्वास करो, लिख तो लो बच्चों, पहले लिख लेंगे इतना काम है, ठीक है। याना शील्ड, ब्राजील शील्ड, बाराजास, इताबीरा, मिनास गेराइस, बेलो हॉरिजॉन्टे, अरे सर ये तो मैं लिख चुका हूं, आपके पहले ही नोट्स करवा दिए मैंने, ये मैंने पहले करवाया था, मुझे पता है आप लोग मुझसे लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये कौन से मरुस्थल में है, ये कौन सा मरुस्थल था जिसमें कि ये पाए जाते हैं, अटकामा मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल में, यहां पर विश्व की एक चौथाई तांबा यहां से निकलता है, एक चौथाई तांबा यहां से निकलता है, ठीक है। सभी लोग मेरे साथ, चलिए अब आ जाते हैं हम अफ्रीका में, अफ्रीका में आ जाए। ये है बच्चों अफ्रीका, अफ्रीका में लौह अयस्क का अभाव है, शॉर्टेज ऑफ आयरन ओर, क्यों शॉर्टेज, क्यों शॉर्टेज, क्यों? तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं हमेशा कहता हूं जिसका काम उसी को साजे, जो जिसका एक्सपर्ट है उसको साजे। तो यूट्यूब पर एक इतिहास के शिक्षक हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, काफी मशहूर शिक्षक हैं, तो एक दिन क्लास में पढ़ा रहे थे, एक दिन क्लास में पढ़ाए यूट्यूब पर कि बच्चों आपको पता है अफ्रीका में लौह अयस्क नहीं है, लौह अयस्क नहीं है, ये अफ्रीका के पिछड़ेपन का कारण है, क्योंकि लोहा नहीं था तो यहां पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है भाई, औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाई क्योंकि औद्योगिक क्रांति के लिए आपको लोहा चाहिए और इस महाद्वीप पर नहीं है। यहां तक मैं ठीक था इतिहास के शिक्षक के साथ, उसके बाद वो मुंह खोले फिर गड़बड़ा दिए, फिर बोले तुम्हें पता है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल साइंस है, क्या आपको पता है कि अफ्रीका में लोहा क्यों नहीं है। अच्छे एकदम सोच रहे मास्टर जी, एकदम बोले जहर जहर, लोहा और पानी
आग और पानी अगर मिल जाए तो जहर है जहर। जैसे ही लोहे पर पानी पड़ेगा लोहे पे जंग लग जाएगा, लोहा बर्बाद हो जाएगा। अफ्रीका में तो पानी ही पानी है, लोहा तो खत्म। ये भाई हिस्ट्री के टीचर हो, वहां तक ठीक था, भूगोल के जो हाथ पैर तोड़ रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ये अफ्रीका है बच्चों, ये 0 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण, यहीं तो बारिश होती है। यहां तो बेटा मरुस्थल है, डेजर्ट है, इसमें कौन जहर आ रहा है पानी और लोहा? यहां पे भी तो चचा डेजर्ट है और यहां पे तो अर्ध शुष्क है, सेमी एरिड है कि नहीं? याद है आप लोग पहले दिन क्लास में क्या बोले थे? सर अफ्रीका पिछड़ा महाद्वीप इसलिए क्योंकि यहां सब काले हैं और सब पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अरे भाई इसीलिए बोलते हैं इतिहास के शिक्षक इतिहास को बहुत अच्छे से जमाए, भूगोल को भी बराबर कर दिए। बोले जहर है जहर, लोहे के लिए पानी जहर है, बच्चे एकदम गड़गड़ा के ताली मारे। बस सर एकदम बिल्कुल सर, बोतल भी है, सोडा भी है, चढ़ भी गई है। अच्छा लोहा के लिए पहले क्या चाहिए? जियोलॉजी, जियोलॉजी, लोहे की शील्ड होनी चाहिए। यहां पे फेरस शील्ड ही नहीं है, फेरस शील्ड ही नहीं है बच्चों। अगर लोहे का भूगर्भिक रूप से चट्टाने नहीं है तो कहां से होगी? लेकिन कुछ चट्टाने मिली, कहां मिली? यहां पर मिल गई। ये क्या है बच्चों? सियरा लियोन, सियरा लियोन और लाइबेरिया। यदि आपको याद हो मैंने कहा था स्लेव ट्रेड के बाद लाइबेरिया फॉर द लिबरेटेड स्लेव्स, सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन, अगर आपको याद हो तो। तो इस तरह से पहली बात जब हम बात करते हैं कि यहां पर एक शील है और यहां पर एक नदी है दक्षिण अफ्रीका में, उसका नाम है वाल। वाल के परे के क्षेत्र को, वाल के परे के क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाल के परे का क्षेत्र ट्रांसवाल, ट्रांसवाल, ट्रांसवाल प्रांत यहां पर होता है। तो अफ्रीका में लौह अयस्क न होने का कारण बच्चों जियोलॉजी है वहां की, वहां पे शील्ड ही नहीं है जिसमें लोहा हो। अफ्रीका एक ऐसा, अगर मुझसे भूगर्भिक दृष्टि से पूछे, एक ऐसा महाद्वीप है जो कभी भी सागर के नीचे गया ही नहीं, एक पठारीय महाद्वीप है। दिस इज अ प्लेटू टाइप ऑफ अ कॉन्टिनेंट। तो दैट इज वाई नेवर सबडक्शन एंड मैग्मा डिड नॉट कम टू दैट एक्सटेंट कि यहां पर शील्ड आ जाए। हाँ यहां पर एक बहुत मशहूर शील्ड है, यहां पर एक बहुत मशहूर शील्ड है जिसको हम कहते हैं कटांगा शील्ड। लेकिन बच्चों ये शील्ड है नॉन फेरस, नॉन फेरस में क्या होता है, लोहा नहीं होता, ये कॉपर के लिए जानी जाती है। अब ये ज्योग्राफी है, अब इतिहास वाले भैया एकदम ऐसे बताए, हम भी एक बार को ऐसे मतलब गड़ गया, भाई साहब जहर है जहर, लोहे के लिए पानी, एकदम तलवार निकाल दिए राणा प्रताप की। अब बच्चा एकदम गड़गड़ा के, सर आज समझ आ गया कॉन्सेप्ट। हमने भी कहा भाई जोश से बताए हैं, कई बार होता है ना जज्बा चाहिए होता है, वही जज्बे से भाई पढ़ा दिए तो आप लोग तो क्लियर है। अफ्रीका में औद्योगिक क्रांति ना होने के कारण पिछड़ापन का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इसके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज नहीं थे। पहला तो इसके पास आयरन ओर नहीं था, और दूसरा औद्योगिक क्रांति के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ एनर्जी सोर्स, कोयला भी नहीं था। ये जहर लॉजिक फिल्मों में अच्छा लगता है, जहर नाम की फिल्म थी कि नहीं, ठीक है, बट कभी कभी क्लास में भी फिल्म चल जाती है। तो हमने कहा इतिहास के शिक्षक आज भूगोल पढ़ा रहे हैं, मजा बहुत आया भाई, हमको मजा बहुत आया था। जहर है जहर, लेकिन बारिश होगी। अब तो आप मेरे भूगोल के छात्रों, आपको तो विश्व के जलवायु प्रदेश भी पता है, बारिश कौन से जगह पर होती है, ये है। और जैसे जैसे दूर जाता जाता हूं बारिश कम हो जाती है। आपको तो वेजिटेशन भी पता है कि यहां पे वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, यहां पे ग्रासलैंड होते हैं सवाना, और यहां पे डेजर्ट होते हैं। तो ये कहना पूरे अफ्रीका में बारिश होती है एक इतिहासकार के लिए ठीक है भाई, भूगोल में ना हो पाएगा, बट मजा बहुत आया था, मैंने भी बहुत आनंद लिया। और मुझे भी लगा एक दिन बच्चों को ये वाला जरूर बताऊंगा, जहर है भाई जहर है कि नहीं, है ना? यूपीएससी की तैयारी के लिए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, जहर है जहर, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। चलिए तो अफ्रीका के पास कमी है, कहां पे मिला? सियरा लियोन में मिला, और कहां पे मिला? ट्रांसवाल में मिला। आनंद लीजिए, मजा आएगा। स्कैंडिनेवियन शील्ड, यूरोप पे आ जाए बच्चों, यूरोप पे आ जाए, यूरोप पे आते हैं।
जी, यूरोप। यूरोप में तो बहुत ही आसान था। ये देखिए बच्चों, ये हमारा यूरोप है, ऐसा हमने कुछ बनाया था। आपको तो बस अपना यूरोप का मानचित्र निकालना, जल्दी से निकाल लो बच्चों। एक तो यहां पर FE लिख दीजिए इस ड्रैगन में। इसमें कौन से पर्वत हैं? स्कैंडिनेवियन ज्वलन पर्वत। और क्या यहां पर स्वीडन में यहां कहीं पे किरूना लिखा है बच्चों? ये मैंने भी चेक नहीं किया था, एक बार चेक करो। जल्दी से बच्चों, जल्दी से बच्चों, यूरोप निकाल दो। किरूना तो नहीं है, लेकिन स्वीडन में गैलीवेर दिया हुआ है। गैलीवारे दिया हुआ है, गैलीवारे दिया हुआ है कि नहीं बच्चों? ये मुझे दिखाई दे रहा है, स्वीडन में गैलीवारे मिल गया, किरूना मिल गया, बहुत अच्छी बात है। किरूना, गैलीवारे, जो मिल गया चलेगा। सभी लोग मेरे साथ, यहां तक क्लियर? अच्छा, यहां पे हमने बताया कि औद्योगिक क्रांति के जनक कौन थे भाई? ब्रिटेन में हुई। इनका सब खत्म हो गया है, इनका सब खत्म हो गया। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत यहां पर रह गया है, ये इनका ग्लासगो प्रांत है। ये मैंने शायद नोट्स में नहीं लिखवाया, नोट्स में नहीं लिखवाया। देखो, ब्रिटेन में मिडलैंड बेसिन और यहां ग्लासगो लिख लो बच्चों, ग्लासगो। किरूना तो मैं लिखवा चुका हूं आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना। कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा डेनी मोरा भी है, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो डेने मोरा, किरूना, गैलीवारे, एक आध याद होना चाहिए। शील है भाई, समझ में आता है। अच्छा बच्चों, भौतिक मानचित्र पे बताइए, यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट है कि नहीं? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ पे जूरा है, देख के बताइए जरा। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और जूरा देखा था? देखा था या नहीं देखा था? बिल्कुल देखा था। और यहां पे एक होगा स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर बाउंड्री पे कैंटेबरियन, ऐसा है बच्चों? ऐसी देखने को कह रहा हूं, मिला कि नहीं मिला? मिला। ये यहां पर भौतिक मानचित्र में जर्मनी में लिखवाया था, ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक फॉरेस्ट, राइन नदी और डेन्यूब के बीच में लिखा हुआ है ब्लैक फॉरेस्ट। उसी के नीचे जूरा माउंटेन, वोस्डिज माउंटेन लिखा हुआ है, और कैंटेबरियन यहां पे ढूंढेंगे तो पक्का मिल जाएगा। मिल गया, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, कैंटाब्रियन जहां पर है, यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर लिखा होगा एक शहर बिलबोआ। बहुत ही सुंदर जगह है, मेरा जाना हुआ यहां पर बिलबोआ में, बिलबोआ लिखा मैंने, सॉरी बिलबाओ होगा, बिलबाओ। मिल गया बिलबाओ बच्चों, बिलबाओ मिल गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर एक शहर होगा स्ट्रैसबोर्ग, स्ट्रैसबोर्ग, ये भी इस्पात संयंत्र है, स्ट्रैसबोर्ग, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये जो सीमा है ना, किसकी सीमा है? यूरोप और एशिया की सीमा, इसको क्या कहते हैं? यूराल। इसमें भी लोहा है, यहां पे भी बच्चों Fe लिख दो, यहां Fe लिख दिया, यहां भी Fe लिख दो, काम बन गया। और यूक्रेन और लिखवाया मैंने आपको, यूक्रेन और लिखवाया, यूक्रेन में नाम आया कि नहीं आया? हाँ जी बिल्कुल आया हुआ यूक्रेन में बच्चों। काला सागर देखिए, काला सागर देखिए बच्चों, काला सागर, काला सागर, और काला सागर में आप देखेंगे, काला सागर के जस्ट ऊपर जाएंगे तो क्रीवोई रोग लिखा होगा यूक्रेन का। यूक्रेन में भी लोहा है, रूस में भी लोहा है, मिल गया। तो इतना बारिश होता है तो एग्रीकल्चर क्यों नहीं होता? कोमल झा जी, आपने शायद क्लासेस नहीं की हैं बच्चे, आपने क्लासेस नहीं की हैं। अफ्रीका में केवल 10% भूमि जो है कृषि योग्य है, वरना नहीं है। तो कोमल जी ध्यान दीजिए, ऐसे ज्ञान से ज्ञान मत बढ़ाइए। ये क्वेश्चन काफी जहर था, वैसे जहर क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे जहर बातें याद आ जाती हैं। सर यूएसए में भी बर्मिंगम है और यूके में भी बर्मिंगम है,
तो क्या दिक्कत है? एक नाम के कई शहर हैं, एक नाम के कई शहर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, जब ब्रिटेन से लोग यूएस गए तो उन्होंने वहां पे उसके नामकरण में भी ऐसा कर दिया, न्यू इंग्लैंड लिख दिया। ऐसा मत सोचो कि एक नाम कहीं और मिल गया तो सर कौन सा वाला करूं, अरे भाई बर्मिंगम है, कई जगह बर्मिंगम मिल जाएगा, टेंशन में काहे हो। इतने सारे सचिन मिलेंगे, लाइन लगा के सचिन हुए मेरी मेरी पीढ़ी के, मेरी अपनी क्लास में जहां मैं पढ़ता था कम से कम 3 सचिन होते थे, सचिन 1, सचिन 2, सचिन 3। यहाँ पे टेंशन हो रहा है सर बर्मिंगम तो वहां भी है, इतना ज्ञान काहे दिखा रहे हो भाई, तो एकदम जहर सवाल पूछे हो, जहर वाले सर से पढ़ लो, हिस्ट्री में ही भूगोल पढ़ाए दे रहे थे, बहुत मजा आया हमें। यूक्रेन सर दिख गया, यूराल दिख गया, ये भी दिख गया। अच्छा यूराल में ना मुझे एक शहर ढूंढना था, बहुत सारे नाम थे, मुझे एक शहर ढूंढना था, तो मैंने कहा यार कौन सा शहर होगा, तो मैंने एक शहर आप लोगों के लिए ढूंढा, अभी ना भी मिले तो भी चलेगा, मैग्नीटो गोर्स्क। अच्छा चुंबक किस में होती है? चुंबक होती है लोहे में, तो चुंबक का शहर, गोर्स्क मतलब शहर, चुंबक का शहर यूराल में पाया जाता है रूस में। मैंने कहा तो याद करने में भी आसान है मैग्नीटो गॉड्स, और जितने भी एक्समैन देखते हो एक्समैन का मैग्नीटो आपको याद आ जाएगा, जिन्होंने एक्समैन नहीं देखा तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये चीजें याद करने लायक चीजें हैं, रूस में यूराल झील, अगर आपको एक नाम लिखना है तो लिख लो मैग्नेट का शहर मैग्नीटो गॉड्स, समझ में आया? मैग्नीटो गॉड्स आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? एक लास्ट चीज बच्चों, एक लास्ट चीज मैं यहां पर बना रहा हूं, यहां पर बच्चों ये है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा, यहां पर एक शील्ड है, ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन शील्ड, और यहां पर क्या है? पिलबारा, पिलबारा की रेंज, पिलबारा रेंज, ठीक है, पिलबारा की रेंज। तो यहां पर इस प्रांत को क्या कहा जाता है बच्चों? पिलबारा। अब ये आपको मिलेगा नहीं एटलस में, तो एटलस में यहां पर क्या लिखा हुआ है? हैमर्सले। जरा जल्दी से देखिए, हैमर्सले मिला, हैमर्सले, हैमर्सले मिला या नहीं मिला, हैमर्सले मिला या नहीं मिला? हैमर बच्चे क्या होता है? हैमर हथौड़े से बनता है, हथौड़े से बनता है, हथौड़ा लोहा, लोहे से बनता है, तो हैमर स्ले, ठीक है, सभी लोग मेरे साथ, हैमर स्ले मिल गया। तो यहां पर आयरन लिख लीजिए, आयरन लिख लेंगे। और बच्चों ये जो ट्रायंगल है, बच्चों ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल क्या है? इसको कहा गया आयरी का प्रायद्वीप, जरा देख के बताइए क्या ये लिखा हुआ आयरी प्रायद्वीप, नीचे आयरी प्रायद्वीप मिला बच्चों? आयरी प्रायद्वीप को ही आयरन नॉब भी कहते हैं बच्चों, आयरन नॉब, आयरन नॉब। तो कहां पर है? एक तो वहां पर पश्चिम में मिल गया पिलबारा प्रांत, और ये कहां पर मिला? आयरन नॉब में मिल गया आयरन नॉब, और यहां पे जगह का नाम है वायला। अब कुछ एटलस में वायला दिया है, कुछ में नहीं दिया है, लेकिन आपने नोट्स में पहले ही लिख लिया है, नोट्स में आप सभी छात्र लिख चुके हैं, कहाँ गया एशिया छोड़ो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, पिलबारा आयरन नॉब वायला लिख लिया। सभी लोग मेरे साथ, अच्छा बच्चों मैंने एशिया अभी आपके साथ पूरा किया नहीं है, एशिया को मैं अभी रोक रहा हूं, ठीक है। आई लाइक योर टीचिंग सर बट आई नीड मोर इंग्लिश, अमेजिंग, देयर इज एन इंग्लिश मीट, इंग्लिश बेटा, All in English, absolutely English. I like your teaching, but I want it in English. Amazing. ये बहुत सही था। सर पढ़ाते ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में पढ़ाइए। अंग्रेजी भी पढ़ा रहे, मैं ही पढ़ा रहा हूं। बहुत मजेदार कमेंट आ जाते हैं, ठीक है, कह रहे आई हैव नो एटलस। सर सर कैसे कैसे आप इंतजार कर रहे होगा किसी का भाई किसी की जान का, सर बोला देख लेते सर, नो एटलस। अब बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था, क्लास किसके भरोसे पे हो रही है? क्लास आपके भरोसे पर है, आपने ये नाम पहली बार सुने, आपने ये नाम पहली बार सुने हैं,
और मैं गारंटी दे रहा हूं याद हो गए। सर आपको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा। टेस्ट कर लिया जाए बच्चों, टेस्ट किया जाए जल्दी से। जो लोग मेरे साथ रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो वाले नहीं। सर आई लाइक योर टीचिंग बट आई वॉन्ट इट इन इंग्लिश, नॉट दोज पीपल बट द पीपल हु आर रियली वर्किंग ऑन दिस, जो हिंदी में भी काम कर रहे हैं, अंग्रेजी में भी कर रहे हैं, और जो लोग एटलस भी लाए हैं, जो किसी का भाई किसी की जान नहीं है। जल्दी से इक्वेटर खींचेंगे। इक्वेटर पर क्या खींचेंगे? अब एटलस में हमें वर्ल्ड मैप बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? 50 सेकेंड। तो जल्दी से हम क्या करते हैं? साउथ अमेरिका बनाते हैं। साउथ अमेरिका को किससे जोड़ते हैं? इससे जोड़ देते। नॉर्थ यूरोप, यूरोप गुड। यहां पर ब्लैक सी आ गए। एशिया को बच्चों लिखवाया है लेकिन पढ़ाया नहीं है आज। डन 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 हो गया। विश्व मानचित्र बन गया कि नहीं बन गया? अंकिता बोली मिले ना मिले लेकिन समझ में आता है। ना 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 ना, ये वाला तो चलने नहीं दूंगा अंकिता। अंकिता बोली नहीं भी मिलेगा तो भी मैं चला लूंगी। ना 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 ना, नॉट एट ऑल। कोई भी घबराएगा नहीं भाई, आप पे भरोसा करके किया है, आप पे भरोसा करके अब टेस्ट लेने वाला हूं। कोई भी यहां से मिला कि मिले ना मिले, घबराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, समझने का था नहीं यहां पर, अब ढूंढेंगे। चलिए पहला शुरू करें बच्चों। पहला, कनाडा में खनन का एक शहर जो आबादी से बहुत दूर है, शेफरविले। शेफरविले से मैं खनन करके आता हूं, एक पोर्ट पे आता हूं, 7 द्वीप, उसका नाम है सेप्ट आइल्स। जल्दी से 1 और 2 कर दीजिए। अच्छा ऐसे न बंद हो, 2 हो गए। थर्ड में एक शहर जिसका नाम है हैमिल्टन, हॉट टाउन का शहर हैमिल्टन। चौथा एक पोर्ट है, एक पोर्ट है झील के ऊपर, एक पोर्ट है डुलुथ पोर्ट। वो देखो एक लिख रहा 20/20। प्रशांत कुमार यादव जी टेस्ट तो दे लो 20/20, इसके बाद तुम्हारा रिश्ता थोड़ी आने वाला है कि प्रशांत जी भैया के पहले ही 20 आ गए। प्रशांत जी एकदम योग्य वर हो गए। चाचा हम वो देख रहे हैं, सारी वरीयता निकाल देंगे। ठीक है, ये बोला खान सर की एटलस में मुझे कुछ नहीं मिला। शिवानी जी मुझे तो सभी मिल गया, मैंने बच्चों को तभी दिया खान सर की एटलस में, बट आप क्या थे? अरे नोट्स बनाए रहे हैं। बेचारे बेचारे न बनो, बेचारे न बनो। नंबर पांच तो डुलुथ भी हो गया, सब जगह आ गए। अरे इस्पात राजधानी पे चलते हैं जरा, पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग होकर आते हैं। और छठा जो है वाहन राजधानी भी हो आते हैं, डेट्रॉइट क्यों ना होकर आए। 7 नंबर में क्यों ना फुटबॉल की कब्र या घंटा शहर होकर आए, बेलो हॉरिजॉन्टे। 8 नंबर में क्यों ना टेनिस खेलकर आए सेरेना के साथ, सेरेना विलियम के साथ खेलेंगे सेरेना। अफ्रीका में वैसे तो लॉ एस्क नहीं है, लेकिन एक देश में है, लाइबेरिया। 10 नंबर, एक नदी का नाम है वाल नदी, उसका प्रांत है ट्रांसवाल। 11 नंबर पे एक पेस्ट्री है, अगर आप बेकरी पे जाएंगे तो एक मशहूर पेस्ट्री है ब्लैक फॉरेस्ट। हम लोग पेस्ट्री खाते हैं शहरों में, केक और पेस्ट्री होती है ब्लैक फॉरेस्ट, सफेद भी होती है काले काले चॉकलेट भी होता है। लेकिन अगर जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट खाएंगे तो आपके दांत टूट जाएंगे, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट तो लॉ एस के लिए जाना जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पे है जल्दी से ढूंढिएगा। 12 में एक है किरुना या गैलीवारे, किरुना या गैलीवारे दोनों आसपास ही है, वहां मार्क कर दीजिएगा। 13 नंबर पे मैं कहां पर हूं, ब्रिटेन में वैसे तो खत्म हो गया है,
लेकिन ग्लासगो में थोड़ा सा लौ अयस्क बचा है। चौदह पर मैं कहाँ हूं, छोटा नागपुर का पठार। सर ये तो पढ़ाए नहीं थे, यही तो हम कह रहे हैं जो पढ़ा देते हैं वो छप जाएगा। छोटा नागपुर का पठार, 15 में क्या है सर? 15 भी बता दीजिए। तो 15 में बच्चों है आयरन नॉब, आयरन नॉब कहीं पर है 15 में। ओके 15 तो हो गए यार, चलो कुछ इसके बिना भी टेस्ट किया जाए। 16 नंबर पे बच्चों मुझे बताइए मेडागास्कर द्वीप कहां पर है, मेडागास्कर द्वीप कहां पर है। 17 नंबर में मुझे बताएंगे, अच्छा कल भी तो किया था, वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में एक नदी है जो दो नदियों को जोड़ के बनती है, तट अल अरब, तट अल अरब किससे बनती है। 18 नंबर पर हमारे पास एक जलसंधि है, बाबल मंडप, बाबल मंडप। 19 नंबर पर, 19 नंबर पर क्या करें, हाँ यहीं पे कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में एक प्रांत है जिसमें लोहा मिलता है, पिलबारा प्रांत, पिलबारा प्रांत। और 20 नंबर पे वो बेचारे जिनको कुछ नहीं मिल रहा, 20 नंबर वालों को क्या दें यार, 20 नंबर वाले आपके ऊपर है, कर्क रेखा या मकर रेखा जो भी है डाल लीजिए, एक तो मिले। जिसने भी मेरी क्लास में लिखने का, ये लिखने का पेन लिया, इस सब लिखा ईमानदारी से, बीच में खेल नहीं खेला, अरे कौन लिखेगा कौन याद कराएगा, ठीक है, जिसने ये लिखा और जिसने मेरे साथ मानचित्रों में जब मैं दूसरी बार आपको लेके गया वहां भी ढूंढा, और ये मैं बता रहा हूँ खान सर की एटलस में मैं देख कर आया कि भाई मैं ऐसे शब्द ना ले जाऊं जो बच्चों के पास ना हो। ओरियंट ब्लैक स्वान ऑक्सफर्ड में भी मोटा मोटा ये देश, ये स्थान मिलेंगे ही मिलेंगे, हो सकता है वाल नदी ना हो, वैसे ओरेंज की सहायक नदी वाल कहलाती है, लेकिन ये सभी को लगभग मिले होंगे जिन्होंने प्रक्रिया फॉलो की होगी, उनके नंबर आए होंगे, है ना। और जिन लोगों के 20 आए हैं 19 आए हैं आज की क्लास में, अगर आपके 18 प्लस हैं तो शाबाश बच्चों, अगर आपने नए नए नाम 18 प्लस हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं बताना चाहता हूं ये पहली बार सुने थे आपने, और आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी मैं एक चीज करने वाला हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 शटल अरब थी, टिग्रिस और यूफ्रेटिस की जो होती है, 17, 18 क्या था, बाबल मंडप, यहां से जो जलसंधि निकल रही है वो बाबल मंडप है, 18, 19 में पिलबारा, और 20 में कर्क और मकर रेखा। बच्चों ये पता है क्या है, ये मानचित्र है विश्व के लॉयस के वितरण का, आप ही ने बनाया, आप ही ने बनाया, आपके पास लिस्ट भी है, आपके पास समझ भी है, और ये काम बन गया है, ठीक है। इतने लोगों को आज की क्लास, आज की क्लास जहर लगी है, अगर आपको क्लास अच्छी लिखी तो वाह लिखिए, वरना जहर लिख दीजिए। एक मैडम वंदना लिखी थी, क्लासे जहर लग रही है, पता नहीं एटलस लेके बैठी थी या नहीं लेके बैठी थी, क्लास वाह चल रही है या जहर चल रही है आपके रिजल्ट के बाद पता चलेगा। मैंने आपसे कहा था कि आप पे भरोसा कर रहा हूं, आज आपसे अनुरोध था कि कितने लोग मेरे साथ ये काम करेंगे, और मैं बता रहा हूं ये जाएगा नहीं कहीं पर, आपने कर लिया है चल, ऐसे हर एक उसको करेंगे, अभी करके बताते, अभी खत्म थोड़ी हुई क्लास। तो हमने कहा वंदना जी बोली थी जहर है, तो वंदना जी का भी आ जाए, कितने लोग यहाँ पे जहर हैं, है ना।
एक बार हो जाता है कि भैया जहर लग रहा है, एटलस खोली भी नहीं होंगी, लिखी भी नहीं होंगी, किसी का भाई किसी की जान। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको लगा, आपको कोई टेंशन नहीं, आप जहर लिखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं। आपको और लोगों का भी मिलेगा, और मैंने तो कहा प्रतियोगिता है भाई, प्रतियोगिता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्रतियोगिता में आप भी ये प्रण ले सकते हैं कि आप ये करें, लेकिन आपको डिक्टेशन वाला है कि सर रोक रोक के, तो हमने पहले इसीलिए डिक्टेशन दे दिया, तो डिक्टेशन ब्रांड जो है बहुत रोएगा, इसलिए ये सबसे पहला काम किया हमने। जहर वाले कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जहर लिखे, पूरी आजादी आपके पास। ये समझ लीजिएगा कि परीक्षा तो सभी देने वाले हैं। अगर 99% क्लास ने इस प्रक्रिया को फॉलो किया, 99 भी हटा दो यार, 90% क्लास अगर आज ये लेके जा रही है, तो आप समझ लीजिए कंपटीशन तो देने वाली है वो आपको कंपटीशन देने वाली है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो यहां पर सिर्फ, मुझे इसमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जब हमारा इतिहास का शिक्षक भूगोल पढ़ा सकता है कोई यूट्यूब पर, प्रतिष्ठित शिक्षक, पानी और लोहा जहर है भाई, हम तो फिर आपसे काम करवा रहे हैं भाई। चलिए बच्चों, एक फ्रेश पेज लेंगे, फ्रेश पेज लेंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ये बता दीजिए क्या बनाया मैंने। क्या बनाया बच्चों मैंने? ऑस्ट्रेलिया बना लीजिए, एकदम बना लीजिए। जहर वाले कोई टेंशन नहीं, मुझे आपका स्कोर आपके पास है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं, आपका स्कोर आपके पास है, वो सब पता चल जाएगा। मैंने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं तो हटता ही नहीं अपनी जगह से। जो मुझे फॉलो कर रहा था, मैंने कहा था आज शाम को मैजिक हो जाएगा, मैं ऑफलाइन में कर सकता हूं तो मैं ऑनलाइन में भी कर सकता हूं, ठीक है, ये तो मुझे पक्का था, लेकिन आपका विश्वास चाहिए था। जिसका विश्वास नहीं, कोई टेंशन नहीं, जहर है आपका जीवन, आप फैला रहे हो, कोई टेंशन नहीं। बच्चे ऑस्ट्रेलिया हो गए, जल्दी से ऑस्ट्रेलिया बना लो, बच्चों जल्दी से ऑस्ट्रेलिया बना लो। अब ऑस्ट्रेलिया एक घड़ी है, ऑस्ट्रेलिया एक घड़ी है जिसमें यहां पे बजे हैं 12, यहां पे बजे हैं 3, यहां पे बजे हैं 6, और यहां पे बजे हैं 9। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बच्चों, हम ऑस्ट्रेलिया को एक घड़ी का रूप दे रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ, जल्दी से 5 मिनट का काम है, जल्दी से। अब छोड़ दीजिए वाह और जहर, वो हो चुका, वो उन्हीं के लिए था, वो उन्हीं के लिए था। मैडम जो लिखी थी जहर, कि मैडम कंपटीशन चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आप परीक्षा देंगे एकदम, अरे मैडम परीक्षा देने हैं, इनको तो आईएएस बनाना है। मैडम बहुत लोग आपके साथ कंपटीशन में रहेंगे, है ना, जो लोग साथ में किए होंगे एकदम बोलेंगे निक लगबा, आज तो बहुत सही जा रहा है, ठीक है। 18 चाहिए थे, 18 पासिंग मार्क्स था। सभी लोग मेरे साथ आ गए, ऑस्ट्रेलिया है, घड़ी है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको यहां पे शीर्षक दे रहा हूं, जल्दी से, ऑस्ट्रेलिया मेटल्स, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख धातु, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख धातु, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। क्या आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में लोहा कितने बजे मिलेगा? जो मैंने अभी आपको बताया था ना बच्चों, आयरन नॉब, लोहा कितने बजे मिलेगा बच्चों? जल्दी से अपनी एटलस में ऑस्ट्रेलिया खोल लीजिए, ऑस्ट्रेलिया खोल लीजिए, जल्दी से खोल लीजिए। कोई बोला जहर का मतलब वहां होता है? नहीं बेटा, वाह मतलब अच्छा लगा, जहर मतलब मुझसे ना हो पाया, ठीक है। तो बच्चों यहां हमने कहा FE, FE में क्या था बच्चों? पिलबारा प्रांत, पिलबारा प्रांत, आप भी लिखते रहिए, बड़ा ऑस्ट्रेलिया बनाना, पिलबारा लिख लिया बच्चों हमने यहां पे, और हथौड़ा था ना हैमर स्ले, हैमर स्ले, ऑस्ट्रेलिया खोल लिया। 5 मिनट है मेरे पास, जल्दी से बच्चों।
जल्दी से ऑस्ट्रेलिया खोल लेंगे। बिल्कुल, जहर वाली मैडम के लिए जहर, बाकी लोग के लिए वाह। भैया मैं बहुत ही औसत औसत स्तर का शिक्षक हूं यार, तो बहुत बड़ा नहीं पढ़ा पाता हूं, बट ये जरूर विश्वास है जो मेरे साथ उन कदम को लेता है उसके जीवन में भूगोल तो आ जाएगा। इतना तो हम जानते हैं भाई, इतना पूरी कोशिश है, बाकी किसी बात का कोई घमंड नहीं है। आप महान है, आप बिल्कुल बढ़िया करेंगे। अच्छा यहां पे था बच्चों आयरन नॉब, आयरन नॉब, तो क्या मैं यहां भी एफ ई लिख दूं? तो लोहा कहां पर है बच्चों, लोहा कहां पर है, लोहा है। ये कितने बजे होगा बच्चों, घड़ी की सुई की दिशा में चलूं तो 10 बजे होंगे यहां पर, और यहां पे कितने बजे होंगे, पर 5 बजे होंगे। ठीक है, लोहा याद रहेगा बच्चों, लोहा 10 बजे है, लोहा 10 बजे है और लोहा 5 बजे है। जगह का नाम क्या है, आयरन नॉब, आयरन नॉब। ठीक है, अच्छा एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूं, सोना यहां पर है, ए यू, सोना क्या होता है, सोना। ये यहां पर है बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने केबीसी सुना अमिताभ बच्चन, ए बी सी, यहां पे शहर है के बी सी। सर ये कहां पर है, केबीसी का मतलब काल गुर्ली होल्डर और कूल गार्डी, कोई सा भी एक ढूंढ लीजिए, यहां पक्का मिलेगा। यहां पर लोहे की खो आयरन सॉरी सोना मिला, और लोगों ने अपना घर बार बेच के ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा भाई जिसको सोना मिल जाएगा वो उसका, तो लोगों ने यूरोप से अपने घर बार बेच के यहां पर आ गए। इसको कहा जाता है गोल्ड रश, लोगों ने यहां पर आकर सोना ढूंढा। किसी को मिला, कुछ भी मिला सर, मुझे तो तीनों मिल गए। अच्छा बहुत अच्छी बात है, कोई भी एक मिल जाएगा। ए यू जगह पता चल गई, कितने बजे डाल दूं, कितने बजे लग रहा है बच्चों, ये घड़ी की सुई के हिसाब से 7:30, 7:30 डाल दें इसको, सोना हो गया 7:30 बजे। क्या नाम है जगह का, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, सर मिल गया है, बहुत अच्छी। अरे एक भी मिल जाएगा बच्चों, साथ साथ में ही है, कालगुर्ली बोल्डर कुलगाड़ी, बहुत मशहूर है, परीक्षा में आ जाता है। लोहा कहां पे मिला, लोहा सर पिलबारा में मिल गया, पिलबारा में मिल गया और आयरन नॉब में मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक और चीज चल दी बच्चे, यहां पर ना ध्यान दीजिएगा, ये गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया है, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, यहां पे बच्चों नीचे आएंगे एकदम यहां पर, तो यहां पे लिखा होगा माउंट ईसा। जरा देखो ये दोनों बाउंड्री है, ये मेरे ख्याल से क्वींसलैंड है और ये नॉर्दर्न टेरिटरी, माउंट ईसा मिला बच्चों, माउंट ईसा। और यहां पे आपको मिल जाएगा ब्रोकन हिल, जरा ढूंढिए ब्रोकन हिल, हम देख के बताएं एटलस से कहां पे मिले, और राजनीतिक मानचित्र में मिलेगा बच्चों, राजनीतिक में। तो माउंट ईसा तो बच्चों एकदम, ये जो केप ऑफ कार्पेंटेरिया है ना, इसमें एक आइलैंड है वेलेसली, उसके नीचे आएंगे तो माउंट ईसा मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और क्या है, ब्रोकन हिल बिल्कुल न्यू साउथ वेल और साउथ ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री पे ब्रोकन हिल मिल गया। अरे वाह बहुत बढ़िया यार, तुम लोग बहुत सही जा रहे हो। अच्छा बच्चों किसी ने पूछा था सर सब जगह क्या लोहा ही मिलता है, ना 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 ना, कुछ शील्ड में लोहा नहीं होती, अलॉय शील्ड है, तो बच्चों यहां पे कॉपर है, तांबा है, जहां पे तांबा मिलता है वहां पे लेड और जिंक भी मिलता है। पीबी क्या होता है, लेड, और जेडन क्या होता है, जिंक। ठीक है, सीसा और जस्ता मिल गया, और बता दूं यहां पे चांदी भी मिलती है, एजी क्या होता है, सिल्वर, चांदी भी मिल गई, ये तो बहुत सही है। ब्रोकन हिल भी बच्चों सी यू पी बी जेड एन ए जी है। ठीक है, कितने बजे मिल रहा है बच्चों, ये कितने बजे घड़ी की सुई की दिशा में कितने बजे मिल रहा है, सर ये मिल रहा है 2 बजे, और ये कितने बजे मिल रहा है, सर ये लगभग 4 बजे मिल रहा है, मिल गया। अच्छा अब बच्चों एक और चीज, लास्ट चीज देना चाह रहा हूं, यहां पे मिलता है एल्यूमिनियम और यहां पे मिलता है एल्यूमिनियम, AL क्या है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, सभी लोग मेरे साथ
सभी लोग मेरे साथ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बच्चों कितने बजे? सर 11 बजे, 1 बजे, 11 बजे और 1 बजे। सर एल्यूमिनियम का कोई नाम है क्या यहाँ पर, कोई जगह का नाम? बच्चे कौन सा आ, आ, पठा रहे हैं यहाँ पर? आर्नहेम लैंड, कितने लोगों को याद है आर्नहेम लैंड? और ये वाला कौन सा प्रायद्वीप है, कितने लोगों को याद है? केप यॉर्क प्रायद्वीप, केप यॉर्क प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं है? कितने लोगों को यहां पे शहर मिल रहा है? वीपा, वीपा, कोई बोल रहा है सर धीरे चलिए। बच्चे एकदम से घड़ी की सुई आप चित्र बनाते चले जा रहे हैं। कितने लोगों को शहर मिला वीपा? जहां बिंदु बनाया वहां मिलेगा, राजनीतिक मानचित्र पे जहां बिंदु बनाया वहां मिलेगा। केप यॉर्क में वीपा मिला। विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम बॉक्साइट की खुली खदान, बॉक्साइट खदान, ये विश्व की बॉक्साइट की माइन है, जैसे शेफर विले था, जैसे शेफर विले था, ठीक उसी तरह से यहां पर विश्व की सबसे बड़ी खुली खदान किसकी? बॉक्साइट की, वीपा खदान, कहां है? केप यॉर्क में। मिल गया। तो बच्चे कहां से कहानी शुरू की? ऑस्ट्रेलिया बनाया। लोहा कहां था? 9 बजे, लोहा 10 बजे और यहां पर भी 5 बजे, ठीक है। अच्छा अगर हमें अलॉ चाहिए तो दो मिल गए सर, माउंट टीसा मिल गया, ब्रोकन हिल मिल गया, इसमें क्या क्या माल मिल जाता? कॉपर मिल गया, लेड मिल गया, जिंक मिल गया, सर ये तो एक ही जगह पे मिल गया, बहुत बढ़िया। अच्छा वो कहां पर है बॉक्साइट? सर वो ऊपर है, 11 बजे और 1 बजे, और सबसे बड़ी खदान कौन सी है? सर वीपा है। समझ में आए? समझ में आए? आपको पता है ऐसे बहुत सारे मानचित्र आपकी एटलसों में दिए होते हैं। दो तरीके हैं, दो तरीके हैं खनिजों को याद करने के। एक एक खनिज लो, एक खनिज लो जैसे लौह अयस्क, और पूरी दुनिया में घूम के आ जाओ। एक तरीका, पहला अप्रोच, राइट ब्रेन बात कर रहा हूं, एक खनिज लो, लौह अयस्क, सारी दुनिया में घूम कर आ जाओ और सब जगह देख कर आ जाओ और अपने दिमाग में चित्रण कर लो, और मजे से जैसे ही उसको याद करना हो उस चित्र को अपने दिमाग में वापस ले आओ। दूसरा तरीका क्या है कि दुनिया में मत जाओ, एक क्षेत्र को पकड़ लो। ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया, ऑस्ट्रेलिया के सारे प्रमुख धातु इसी पर हैं, ऑस्ट्रेलिया चैप्टर खत्म, और ऑस्ट्रेलिया के सारे धातु आ गए। और अगर इसमें आप मुझे यहां से ये हटा देंगे, धातु हटा देंगे ना बच्चों, अगर आपने यहां पे लिख दिया प्रमुख संसाधन, तो मैं और भी डाल दूंगा, मैं इसमें यूरेनियम डाल दूंगा, ऑस्ट्रेलिया बड़ा उत्पादक है, यहीं पे कोयला डाल दूंगा, यहीं पे तेल डाल दूंगा, जो चाहिए। अगर आप जैविक कहेंगे तो मैं यहाँ पे कोरल रीफ भी बना दूंगा, और यहाँ पे कंगारू होते हैं वो भी बता दूंगा, यहाँ पे डाउन्स होता है वो भी बता दूंगा। मेरे दिमाग में ऑस्ट्रेलिया खिंचा हुआ है। 2 मिनट का मिनी टेस्ट, मुझे पता है मैं बहुत तेजी से गया हूं, मुझे पता है मैं बहुत तेजी से गया हूं, आप लोग मुझसे नाराज हैं कि सर बहुत तेजी से गए ऑस्ट्रेलिया। कसम खा रहा हूं अभी आपके सारे उत्तर सही हो जाएंगे। जल्दी से लगा दो, जल्दी से लगाइए, जल्दी से ऑस्ट्रेलिया बना दीजिए। टेस्ट ले रहा हूं, 2 मिनट का टेस्ट है, शॉर्ट टेस्ट। एक मैडम दुखी चल रही थी जहर से। जल्दी से, जल्दी से बच्चों, बीच में बिंदी लगा लो, एकदम बिंदी, रेडी? कोई कह रहा है रहने दीजिए, तो घबरा क्यों रहे हो? 1 मिनट का टेस्ट, 1 मिनट का टेस्ट, 1 मिनट का टेस्ट। जल्दी से कहीं पे एफ ई लिख दीजिए, सी यू लिख दीजिए, ए यू लिख दीजिए, ए एल लिख दीजिए, मेरा काम बन जाएगा। आयरन, कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम, जल्दी से लिख दीजिए, इतना भर काम करना है। 1 मिनट का टेस्ट ले रहा हूं सर। ये रहा लोहा, एफ ई, एफ ई सर, ये रहा तांबा, यू यू सर, तांबे के साथ मिल रहा है लेड, जिंक, सिल्वर, लेड, जिंक, सिल्वर सर, सोना यहां पर है, ए यू सर, एल्यूमिनियम यहां पर, एल्यूमिनियम यहां पर। अच्छा बच्चों इनके स्थानों के नाम बता सकते हैं? हाँ सर, ये केप यॉर्क है,
सर ये आर्नहेम लैंड है, सर ये पिलवारा है, सर यहां पे कौन बनेगा करोड़पति है? सर इसको आपने आयरन की गांठ कहा, आयरन नॉब कहा। सर सर ये हमारा है माउंट ईसा और ये हमारा है सर ब्रोकन हिल। एक मिनट में टेस्ट, एक मिनट में चीजें याद। दो तरीके, इतनी देर से पढ़ा रहा था, आपको लगा तेज है तेज है तेज है, आपको नहीं ध्यान कि आपके दिमाग में एक स्मृति हो जाती है। इसको देखिए, आंख बंद करिए, इसको देखिए बस, और आंख बंद कर लीजिए और एक बार को अपने ही इशारे से यूं करके देख लीजिए। भूगोल ऐसा है, भूगोल ऐसा है, मेरा विषय ऐसा है। मैं नहीं कहता कि राज व्यवस्था को ऐसे पढ़ाना चाहिए, पॉलिटी को ऐसे पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स को ऐसे पढ़ाओ या हिस्ट्री को ऐसे पढ़ाओ, मत पढ़ाओ, वो उन विषयों की अलग अलग शैली है। मेरे विषय की ये शैली है, मेरे विषय की शैली है। आपको दिक्कत है, आपको याद नहीं होता, मुझे दिक्कत है, मुझे भूलता नहीं है, मुझे ऐसे छपा हुआ है ये स्मृति में, ये हटता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कभी घूमने भी जाऊंगा तो मन करेगा यार, यहां पे लोग अपना घर बार बेच के आए थे गोल्ड रश में, कि भाई ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा जिसका सोना हुआ उसका, लोग घर बार बेच के आए। कभी मौका मिला तो ऑस्ट्रेलिया में यहां जरूर जाऊंगा, यहां देखना चाहता हूं क्या हो रहा है। कितने लोगों को ये आया था। आई एम वेरी सॉरी, मैंने 4 मिनट क्लास बढ़ा दी और मुझे पता है कि आप लोग, आपका डेटा खत्म हो जाता है सुबह से, आप लोग लगे होते हैं। हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बहुत शानदार बच्चों, मतलब आपकी वजह से बहुत सारा जोश लेकर आता हूं। और आपसे अनुरोध किया था कि आज की क्लास में अगर जादू होगा तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। अगर आज जादू हुआ तो ये आपने किया, ये आपने किया, आप इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस के पात्र हैं, वेरी वेरी गुड। और मैंने आपसे कहा लोहा हो गया, तांबा हो गया, कल की क्लास में और सबको एक साथ पिरो देंगे। अब तो हमें समझ में आ गया ना, आपको ये भी समझ में आया होगा क्यों हमने विश्व मानचित्र की संरचना की। आपका एशिया रुका हुआ है, खत्म करवाऊंगा, एशिया भी करवाऊंगा, बाकी चीजें भी करवाऊंगा, मेरा काम है भाई, मेरा काम है। मेरे पास 7-8 क्लास और है, इन 7-8 क्लास में पूरा विश्व भूगोल हो जाएगा। और विश्वास कीजिए, भौतिक भूगोल जब कराऊंगा तो बहुत से सिद्धांत दोहराऊंगा। भौतिक भूगोल तो अभी हुआ ही नहीं है ना, मतलब जो भी शिक्षक कराएंगे, मैं करा रहा हूँ या कांसल करा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, तो बहुत ही क्लियर है उसमें। जब भी होगा ये सब फिर आएंगे। और मेरा तो बस एक एक चीज मानना है कि जो बच्चे इसे पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर उनका आत्मविश्वास 60% है, आज उन्हें पता चलेगा भाई लोहा ये सब क्या है। बच्चों ये क्या थे, ये तो ऑस्ट्रेलिया के शील्ड है ना। हाँ सर, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो शील्ड है, शील्ड में मिलेगा सब। सभी लोग मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय नहीं लेना चाहता हूं, मुझे पता है बहुत से लोग कह रहे होंगे अरे खत्म करो जहर, तो थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, कल मिलेंगे। हाय ऑल, गुड इवनिंग। अच्छा है सभी लोग मुझे देख पा रहे होंगे, तो चैट पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, अभी सभी दिखाई दे रहा है। गुड इवनिंग टू ऑल। सभी छात्र, गुड इवनिंग टू ऑल। और आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए, भारतीय संविधान को एक बार फिर से याद करते हुए कि किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद एक भारत में एक बड़ा कानून हमारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, हमारे संविधान के रूप में रचा गया। और इनमें, इन सब में जितने भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की बात करते हैं, उसमें भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत बहुत अग्रणीय भूमिका निभाई। उन्हें याद करते हुए और अपने संविधान को याद करते हुए आज की क्लास शुरू करेंगे। तो अंबेडकर जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं, ठीक है, चलिए।
आज क्या करेंगे? कल का याद है या नहीं है? याद, कल बहुत सारी चीजें की गई, बहुत सारी जानकारी आपकी तरफ फेंकी गई। सभी लोग ऑडियो वीडियो सिमरन जी कह रहे हैं, सर सिर्फ टाइम टेबल बता दीजिए ना, सिर्फ क्लास करके तो कुछ नहीं हो सकता। तो सिमरन जी, पहले भूगोल होगा, भूगोल के साथ यहाँ पर राज्य व्यवस्था भी चल रही है, मेरे ख्याल से पॉलिटी भी चल रही है और एनवायरनमेंट भी चल रही है। तीन क्लासेस चल रही हैं और मेरे ख्याल से काफी है अपने आप में। क्लासेस करके कुछ नहीं होगा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ भूगोल है, भूगोल का सिलेबस हमने आपको दिखा दिया है, भूगोल के सिलेबस से चल रहे हैं। और कुछ आज शायद 21वीं क्लास है, तो कुछ 26-27 क्लास में हो जाएगा। विश्व भूगोल, उसके बाद कोई भौतिक भूगोल पढ़ाएगा, कोई भारत भूगोल पढ़ाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई चिंता है तो आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वर्ल्ड के सॉल्व कर रही थी तो मुझे आंख के सामने कुछ याद आया। चलिए, आया होगा, अच्छी बात है। तो सभी छात्र आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। बस ये पूछ रहा था कि क्या हमें चीजें याद हैं या नहीं। सर एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी चल रहा है, अच्छी बात है। सर रिवीजन करा दीजिए, राजेश बोले रिवीजन करा दीजिए। अरे बाबा, रिवीजन भी कराएंगे। चलिए आज एक दार्शनिक पहलू से क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग वेलकम टू द क्लास, क्लास शुरू करें। मेरे ख्याल से कुछ 6:30 दिखा रहा था तो उसे सही करके हमने 6 बजे कर दिया। शिक्षा से आप जीवन में जुड़े हुए हैं, आपकी समझ में शिक्षा में प्राथमिक क्या है? दिल या दिमाग? जल्दी से बताएंगे, दिल या दिमाग? जल्दी बच्चों, दिल या दिमाग? दिल या दिमाग? दिल या दिमाग? मन या मस्तिष्क? जल्दी से बताएंगे, और अगर पूरा नहीं लिख पा रहे तो ए या बी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए या बी? ए और बी, क्या ज्यादा प्राथमिक है? दिल या दिमाग? दिल या दिमाग? देखिए बेटा, जो बोथ वाले हैं उनके लिए परीक्षा पास करना मुश्किल हो जाएगा। प्राथमिक क्या होता है? पहला क्रम में पहला। तो सर बोथ 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 वाले तो भाई खाली बैठे हैं। ये बोथ वाले जो ऑप्शन है ना, ये किसी विकल्प को चुनते नहीं है। क्या करना चाहते हो? सब कुछ करना चाहते हैं, एक विकल्प ढूंढना है। दिल या दिमाग? दिल या दिमाग? चलिए, अधिकांश लोग कह रहे हैं दिमाग, अधिकांश लोग कह रहे हैं दिमाग। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइएगा। बहुत हो गया ये दिल और दिमाग का खेल। ईमानदारी से बताइएगा, जिस चीज में आपका दिल नहीं लगता है वहां दिमाग लगा दीजिएगा क्या? ईमानदारी से बताइए। सबने कहा दिमाग दिमाग दिमाग, मैं बिल्कुल मानता हूं। मैं पूछ रहा हूं, जिस चीज में आपका दिल नहीं लगता, जिस चीज में किसी का दिल नहीं लगता, तो पहले तो दिल लगाते कि नहीं लगाते हैं? सोच के देखिएगा, सोच के देखिएगा। अगर दिमाग में किसी चीज का डर है, किसी चीज का डर बैठा हुआ है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं तो कहूंगा इससे भी आगे एक और होता है, इससे आगे होता है मैं, इससे आगे होता है मैं क्या करना चाहता हूं। दिल और दिमाग दोनों में समन्वय बिठाऊंगा। सोच के देखिए, क्या बात कर रहे हैं आप लोग कि सर दिमाग से होता है? दिमाग तो बहुत जल्दी हार सकता है, दिमाग तो बहुत जल्दी हार सकता है। जज्बा तो यहां से आता है, जज्बा तो यहां से आता है। क्यों बता रहा हूं? क्यों? सभी लोग बहुत वर्षों से शिक्षा ले रहे हैं भूगोल में, और भूगोल में जब डेटा आता है, भूगोल में जब डेटा आता है, जब जानकारी आती है, कौन से खनिज कहां पे पाए जाएंगे, कितने सारे हैं, डर के मारे हमारा दिमाग वहीं पर हमारे हथियार डलवा देता है। कल की क्लास जो इतने सारे आपने किए, वो क्लास इस पर थी नहीं, अगर आप सोच रहे हो तो। कल मेरे पास एक शेयर किया गया, एक एक कमेंट शेयर किया गया, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक छात्रा लिखती है कि सर दो घंटे की क्लास थी, 2 घंटे तक अपनी 3 साल के बच्चे को लेकर एक ही जगह पर बैठी रही, क्लास सुनती रही, लिखती रही। टेस्ट में पता नहीं था आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन टेस्ट में 20/20 आए। आपको लगता है दिमाग बिठा सकता है? आपको लगता है दिमाग बिठा सकता है?
3 साल का बच्चा गोद में लिए हुए 2 घंटे तक बिठा सकता है? मेरा अपना अटेंशन स्पैन काफी कम है। मैं जो क्लास में आता हूं, आपको लगता है ये चला देगा? आपने वो महाभारत में कर्ण और परशुराम जी का प्रसंग सुना है? तो गुरु परशुराम ने कहा कि मैं किसी भी क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा, केवल ब्राह्मणों को सिखाऊंगा। और कर्ण जो क्षत्रिय थे, उन्होंने जाकर कहा मैं ब्राह्मण हूं। और ये कहानी कब पता चलती है गुरुदेव को? जब एक बिच्छू काट रहा है कर्ण को और उसका खून निकल रहा है, गुरुदेव उसके लैप में, गोद में सो रहे हैं और कर्ण हिलता भी नहीं है। आपको लगता है दिमाग से चल रहा था, दिल से चल रहा था कि गुरुजी सो रहे हैं, अभी इनकी नींद खराब ना हो। दिमाग तो युक्ति बताता है बच्चों, दिमाग तो युक्ति बताता है। दिमाग का काम है ट्रिक बनाना। क्या आपको लगा मैंने कोई ट्रिक बनाई थी? क्या आपको लगा मैंने ट्रिक बनाई थी? मैंने ट्रिक नहीं बनाई थी। कल जो काम हुआ वो आपके दिल से बस एक चीज निकालना था, डर। इतनी सारी चीजें, कितने छात्रों ने लिखा कि सर उम्मीद नहीं थी कि वो आ जाएंगे नंबर। दिमाग की बात करना चाहते हो? दिमाग तो बच्चों इस पे आएगा, दिमाग तो इस पर आएगा। ये मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा 2022, 2021, 2020, 2019 में भारत संबंधी आया, 18, 17, 16, 15, 14। हर वर्ष जो क्षेत्र पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन आता है। और मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं, ग्रुप डी वाले जो घूम रहे हैं ना इधर उधर, इससे ग्रुप डी पास होता है। मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपको चीजें याद है कि नहीं याद है। प्रश्न क्या आया 2022 में? प्राथमिक शैलों की विशेषताएं एवं प्रकारों का वर्णन करिए। ये कहां पर है बच्चों? ये दिमाग का प्रश्न है, क्योंकि दिमाग लगाना होगा। प्राथमिक शैल, सर ये तो हमने बात ही नहीं की। पहली बात, ये भौतिक भूगोल में आता है। दूसरी बात, कल जब आपको शील्ड बताई गई थी, शील्ड क्या है? वो प्राथमिक शैल है, इग्नियस रॉक, उनकी विशेषताएं और प्रकार। जब आपकी उसमें रुचि ही नहीं होगी, सोच के देखिएगा, जब आपकी रुचि ही नहीं होगी। सर गुरु परशुराम नहीं थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, करतार सिंह। थोड़ी कहानी पढ़ लेना यार, फिर से कोई बात नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया था कर्ण को कि कर्ण मैं नहीं पढ़ाता हूं। फिर वो गए परशुराम के पास, कोई बात नहीं करतार सिंह। ये सब कहानियां बहुत सारी सीख दे जाती। प्राथमिक शैलों की बात कब करूंगा? जब मेरे छात्रों की रुचि तो होगी। जब डर नहीं निकलेगा ज्योग्राफी का, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? होगा कि नहीं? रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करने हेतु करते हुए उनके सामने आने वाली प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों का उल्लेख करिए। दुनिया की अगर जलवायु नहीं पता होगी मुझे, दुनिया की वनस्पति के नियम नहीं पता होंगे बच्चों, तो पहले दिन ये करवा दूंगा क्या? ये जो बच्चे बैठे हुए, आपको लगता है कि कल जो आपने याद किए वो मेरा उद्देश्य था, वो मेरा लक्ष्य था? नहीं था। मेरा लक्ष्य ये था, लेकिन यहां पे आऊंगा कैसे? तब ना आऊंगा ना। कोई बोला क्लास करने से थोड़ी पास होते हैं, टाइम टेबल दे दीजिए। ये यूपीएससी मुख्य परीक्षा हर साल का लेकर आया, 22 का भी, 21 का भी। ये बताइए कि खनिज तेल का असमान वितरण क्यों हो रहा है? इसका उत्तर वही है, क्योंकि शील्ड का भी तो असमान वितरण है, शील्ड का भी तो असमान वितरण है। यही तो दुनिया की समस्या है कि भाई चीजों का असमान वितरण है। सवाल यह आता है कि सर ये वितरण असमान क्यों है, सवाल यह आता है। तो बच्चों, तो राइट ब्रेन का काम है। आप एक बात बताइए बच्चों, सोच के देखिए कि हमारी पृथ्वी, हमारी माता, अगर हम पृथ्वी को अपनी माता मान लें, तो इसकी उत्पत्ति 4.6 करोड़ वर्ष पहले हुई और ये एक जीव की तरह से अपना जीवन यापन कर रही है। पृथ्वी अपना जीवन यापन कर रही है, अगर हम पृथ्वी को एक जीव मान लें। उदाहरण स्वरूप लेट अस कंसिडर अर्थ एज एन ऑर्गेनिज्म। 4.5 करोड़